2019-20 के आय व्यय पर सामान्य विमर्श होगा। इसके लिए दिनांक 1 और 2 जुलाई 2019 की तिथि निर्धारित है। वाद विवाद और सरकार के उत्तर के लिए कुल 4 घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनके सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है और इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल 80 मिनट, जनता दल यूनाइटेड 70 मिनट, भारतीय जनता पार्टी 54 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 26 मिनट, CPIML 3 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी 2 मिनट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1 मिनट, निर्दलीय 4 मिनट, कुल 240 मिनट। माननीय सदस्य श्रीमती एजिया यादव, महोदय, सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट का मैं विरोध करती हूँ। ये बजट गरीब को मारो मिटाओ वाला बजट है। इसमें दूरदर्शिता नाम की चीज नहीं है और उसमें गरीबों को फायदा हो इस तरह से ये बजट को बनाया नहीं गया है। मैं इसका विरोध करती हूँ और मैं अपनी शुरुआत गृह विभाग से करती हूँ। बीते वर्षों में आग लगने की काफी घटनाएं हुई, खेत खलिहान में गेहूं जल गए, घर जल गए, मवेशी जल गए। सरकार के द्वारा कहा गया था कि फायर ब्रिगेड अग्निशामन वाहक को उपलब्ध हर प्रखंड में कराया जाएगा। लगता है सरकार अपने वादे को भूल गई है और अभी तक किसी भी प्रखंड में नया फायर ब्रिगेड को उपलब्ध नहीं कराया गया है। जहां फायर ब्रिगेड है जर्जर स्थिति में है, जहां जर्जर स्थिति में भी फायर ब्रिगेड है वहां तो ड्राइवर नहीं है। इसमें पर्मनेंट ड्राइवर की प्रावधान नहीं किया गया है। शायद ये पुलिस डिपार्टमेंट या वहां के जो SDM है उनके अंडर में होता है और होमगार्ड इनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इसके ड्राइवर बनते हैं। परमानेंट बेसिस पे ड्राइवर की नियुक्ति की जाए ताकि जब ऐसी आग लगने की स्थिति आए तो इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को बुलाया जाए और एक फंक्शनल रूप में फायर ब्रिगेड काम कर सके। दूसरी बात, जब भूकंप आया तो उस स्कूल में बच्चों को सिखाया गया कि कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए। आग लगने बिहार का एक कॉमन मैटर है। क्या हमारे बच्चों को जरूरी नहीं है कि सिखाया जाए कि आग जैसी स्थिति में कैसे सामान माल जाल अपनी जान को बचाया जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि एकेडमिक कैलेंडर में सरकारी तरह से एक समय बनाया जाए जिसमें आग लगी हो, अर्थक्वेक हो, सो बचने का तरीका बच्चों को, टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को बताया जाए जैसे ऐसी स्थिति में वे अपनी सुरक्षा कर सके। फायर सिक्योरिटी मेजर्स हर बिल्डिंग में, हर सरकारी स्कूल में होना अनिवार्य है। सरकारी स्कूल में देखने को नहीं मिलता है। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित इससे हो जाते हैं। एक तुम्हें मालूम नहीं है कैसे बचा जा सके, इसलिए फायर सिक्योरिटी मेजर्स स्कूल में, सरकारी अस्पतालों में, प्राथमिक सेवा केंद्र में जरूर होना चाहिए। मैं दूसरी बात बोलूंगी कि बिहार में, ये भी गृह विभाग का ही है, क्राइम बहुत बढ़ गया है। हम लोग बड़े आराम से पुलिस को दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन क्या हम ये कभी पता करने की कोशिश करते हैं कि पुलिस की परेशानी क्या है? दे आर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट मैन पावर क्राइसिस। मैन पावर की बहुत बड़ी क्राइसिस है और जो पदाधिकारी, दरोगा, थाना प्रभारी फुल ड्यूटी में रहते हैं, दे आर ओवरलोड, ओवर प्रेशराइज, और अगर कभी मंत्री का दौरा पड़ गया तो सब चीज छोड़ करके मंत्री के स्पॉट में उन्हें लगा दिया जाता है। तो अगर मैन पावर की एक्यूट क्राइसिस है, क्राइम बढ़ा हुआ है, तो मैन पावर को बढ़ाया जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि ये लोग इफेक्टिवली काम कर सके। दूसरी बात, अगर क्राइम रिकॉर्ड देखा जाए तो बिहार पूरे स्टेट में काफी नीचे है। क्राइम बढ़ गया है, रेन बढ़ गया है, क्रिमिनल्स बढ़ गए हैं। इसका एक वजह है कि अभी तक हम लोग का मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट नहीं हुआ है। CCTNS सिस्टम, जिसे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकर्स नेटवर्क सिस्टम बोलते हैं, अभी तक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं लगाया गया है। अगर इसे लगा दिया जाए, ट्रेनिंग दे दी जाए, तो क्राइम का प्रिवेंशन, डिटेक्शन और ट्रायल तेजी गति में हो सकेगा और क्राइम को कंट्रोल किया जा सकेगा। तीसरी बात,
साथ मैं जेल पर चर्चा करना चाहूंगी। आज जेल की स्थिति क्या है? इट इज ओवरक्राउडेड, ओवर पॉपुलेटेड, अनहाइजीनिक, और जो क्रिमिनल्स अंदर जाते हैं अनहेल्दी सिचुएशन में रहते हैं। मैं ये बता दूं, जो क्रिमिनल्स होते हैं माँ के कोख से क्रिमिनल पैदा नहीं होते हैं, सिचुएशन वर्ष वो क्रिमिनल बनते हैं, और जब जेल की वो ऐसी स्थिति में जाते हैं तो उनका अग्रेशन और बढ़ जाता है। हमारी जिम्मेवारी है कि ऐसे जो मिसफिट एंटी सोशल एलिमेंट्स जब जेल जाए तो उन्हें सुधारने की कोशिश की जाए। कितने जेल में विद्यालय है जहां इन्हें पढ़ाया जाए, कुछ हस्तकला सिखाया जाए, बांस जो हमारे बिहार में इतना होता है उससे बनाई हुई चीजें सिखाई जाए, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होता है एग्रेसिवली जेल में सिखाया जाए। ये लोग मेंटली बहुत विचलित होते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग योगा क्लासेस कराया जाए ताकि जब ये जेल से बाहर निकले तो ये कम से कम अपने परिवार के पालन पोषण के बारे में सोचे, एक पॉजिटिव तरीके से सोचे, और जो मिसफिट होकर जेल में गए थे कम से कम थोड़ा फिट होकर सोसाइटी में फिट करने की कोशिश ये लोग करें। तो जो जेल में है इन्हें भी संवेदनशीलता से देखी जाए और इन्हें सुधारने के लिए एग्रेसिव स्टेप सरकार के द्वारा लिया जाना चाहिए जो कि नहीं लिया जाता है। ये लोग में सरप्लस एनर्जी होता है, मैनुअल वर्क करवाया जाए, खुले जेल की प्रावधान बढ़ा दिया जाए। बक्सर में एक खुला जेल है जो कि सफिशियंट नहीं है, हर प्रमंडल में अगर खुला जेल बना दिया जाए, मैनुअल वर्क में इनको एंगेज कर लिया जाए तो सरप्लस एनर्जी इनका निकलेगा, और जो बच्चों का शोषण, महिलाओं का शोषण जेल के अंदर हो जाता है, जो दबा दिया जाता है, जो बाहर निकल करके नहीं आता है, ये समाप्त तो नहीं लेकिन कम जरूर हो जाएगा। तीसरा, आजकल अपार्टमेंट में हम लोग प्राइवेट सिक्योरिटीज को रखते हैं, क्या ये प्राइवेट सिक्योरिटी को लाइसेंस मिला है? क्या जांच करके इन्हें लाइसेंस दिया जाता है? जब चोरी हो जाती है, डकैती हो जाता है, बिल्डिंग के अंदर क्राइम, मर्डर, रेप हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे इन्हें तो लाइसेंस ही नहीं मिला हुआ है। तो जब तक जांच प्रॉपरली नहीं हो, जांच एजेंसीज होना चाहिए, तब तक इन्हें लाइसेंस नहीं दी जाए। तो इन कुछ मुद्दे हैं गृह विभाग के जिसपे कि इमीडिएट इफेक्ट सुधार करने की जरूरत है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, महागठबंधन सरकार के द्वारा बड़ी जोश के साथ नल जल योजना की शुरू की गई थी। उम्मीद की गई थी कि हर घर में नल का पानी निकले, स्वच्छ पानी बच्चे पिए, घर के लोग पिए, जो ये लोग की समय बर्बाद हो जाती है चापाकल कुएं से लाने में वो बचत होगा, लेकिन अब ये सिर्फ एक लूट घसोट का मामला हो गया है। दिस प्रोग्राम, दिस स्कीम इज वन बिग फियास्को, बोलने में मुझे शर्म नहीं आएगी, बट मैं चाहूंगी कि सरकार का आंख खुले कि ये लूट घसोट और एक फेल्ड प्रोजेक्ट रहा है। क्या कभी जांच हुआ है कि पाइप की गहराई कहां तक जाती है? पानी आना क्यों बंद हो गया? अगर पानी आ रहा है तो टिप टिप पानी इतना धीरे आता है कि उसे काम नहीं किया जाता है। ये जांच का विषय है कि पाइप की गहराई कितना है, टंकी सूख क्यों रहा है और पानी आखिर पहुंच नहीं रहा है। दूसरा, इसी तरह का शौचालय भी एक है, शौचालय बनता तो नहीं है लेकिन पता नहीं तो कौन सर्वे करते हैं कि ODF उस वार्ड को, उस पंचायत को मिल जाता है, ये भी जांच का विषय। पैसा मिला नहीं है, 12,500 ODF हो गया, शौचालय मिला नहीं, ODF हो गया। और अभी जो मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ है, मस्तिष्क रोड, जो AES जिसे बोलते हैं, उसमें शौचालय का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि शौचालय नहीं होने से, अनहाइजीनिक कंडीशन से बच्चे को ये बीमारी हुई है। ऑलमोस्ट मुजफ्फरपुर में देखा जाए तो 60% जो बच्चे एडमिट हुए हॉस्टल में, उनके हॉस्पिटल में, उनके घर में शौचालय नहीं थी। ये जांच का विषय है कि जब शौचालय 60% का नहीं था तो क्या उस जगह को ODF कर दिया गया है? अगर किया है तो किस दबाव में किया गया है और क्यों किया गया है? शौचालय दूसरा घोट खसोट का एक मामला है। साथ निश्चय में जो भी चीज हुआ, नली, गली, रोड, इट वॉज अ कम्प्लीटली डिसऑर्गेनाइज सिस्टम के तरीके से हुआ। रोड बन गया तब ध्यान आया कि यहाँ नले बनाना चाहिए, रोड को तोड़ा जा रहा है, नले को बनाया जा रहा है, पैसे की बर्बादी सरकार की हो रही है। और ये पैसा सरकार का नहीं है, ये जो हम टैक्स में पैसा देते हैं ये वो पैसा है। सो कहा जाए तो डायरेक्टली हम लोग का पैसा जो हम सरकार को दे रहे हैं विकास के लिए, इस पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल करके लूट खसोट करने के चलते कभी रोड बनाते हैं, तोड़ते हैं, फिर नली गली बनाते हैं, और सरकार के पैसे की राशि की काफी बर्बादी हो रही है। कुपोषण दूर करने के लिए आई रियली अप्लॉड द कांग्रेस गवर्नमेंट, वो लोग आंगनबाड़ी का सिस्टम शुरू किए ताकि गर्भवती महिलाओं हो, बच्चे हो, उनको प्रॉपर भोजन मिले, माल न्यूट्रिशन नहीं हो। लेकिन आज जब मुजफ्फरपुर में बच्चे भर्ती हो रहे हैं तो पता चला है कि कुपोषण तो हटा ही नहीं,
15 साल से सरकार क्या कर रही थी कि कुपोषण नहीं हटा, आज बच्चे 15 वर्ष के हो गए कुपोषित हैं, माए 15 साल में बच्चे पैदा कर रही है, जो एक बित्ता का 6 इंच का बच्चा पैदा करती है, समझ में ही नहीं आता है ये इंसान का बच्चा है या जानवर का बच्चा है। अब किसी दिन अचानक हॉस्पिटल पहुंच जाए, दुबली पतली 15-16 वर्ष की महिलाएं छोटे छोटे 6 इंच के बच्चा के साथ पड़ी रहती है, क्या इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ माई न्यूट्रिशन? 15 साल से ये सरकार क्या कर रही थी और 6 साल से केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार जो अपना आप ही अपना पीठ थपथपाती है, वे क्या कर रही है कि अभी तक माई न्यूट्रिशन इंडिया से खत्म नहीं हुआ है। अगर शिक्षा विभाग की बात किया जाए, सब जानते हैं लेकिन मुंह सुना हुआ है, आंख बंद है सबका। यहाँ कोई विधायक नहीं है, कोई सिंगल प्रभावी इनके अंदर जो पदाधिकारी नहीं है, जो अपने विधानसभा क्षेत्र के जहां वो पोस्टेड है वहां के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, कभी नहीं पढ़ाएंगे। चाहे ने पटना के मॉडर्न में पढ़ाए, चाहे ने कि देहरादून के गलम से पढ़ाए, आखिर क्यों? विधायक है, जैसे दिल्ली में सरकारी स्कूल का विकास हुआ है वहां भी विकास होना चाहिए स्कूल का। एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज कैसे बनेगा? आप शिक्षित कर दीजिए, आपके स्वास्थ्य पे आपको लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, हेल्थ एंड हाइजीन पे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, आप शिक्षित बनाइए, हेल्थ हाइजीन स्वास्थ्य अपने आप ही सुधर जाएगा। आज आप स्वच्छता अभियान शुरू करें कोई जरूरत नहीं है, आप शिक्षित कर दीजिए, नौकरी करेंगे लोग स्वस्थ रहेंगे, हेल्थ कॉन्शियस होंगे, स्वच्छता के प्रति इनका झुकाव करेगा। स्कूल है छत छूता है, बरसात में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पोषण है बहुत कम है, वो पशु गणना में बिजी रहते हैं, खिचड़ी के आखिरी जोड़ने में गिरे रहते हैं, अंडा खरीदा के आया उसका हिसाब करने में लगे रहते हैं, पढ़ाते कम है, इन कार्यों में लगे रहते हैं। लगता है एक टीचर है उनकी तो गरिमा ही खत्म हो गई है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं समय रहते अपने प्रोफेसरी से छोड़ दी, एक तो पता नहीं शायद मैं भी अंडा ही गिनती रहती और खिचड़ी का चावल ही देखते रहती। तो एक शिक्षक की गरिमा को खत्म कर दिया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। शिक्षक को शिक्षा कराने तक सीमित रहने दे, मोटिवेट करें, वो भी मोटिवेटेड हो रहे हैं। राइट टू एजुकेशन की बात बहुत जोर शोर से हुई और जब पिछले बार बजट आया एजुकेशन बजट तो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई, बड़ी आशा थी हम लोग की, बड़ी उम्मीद थी कि कुछ नया विकास होगा, लेकिन ये सिर्फ बोलने भर रह गया कि एजुकेशन पे बहुत बड़ा बजट दिया गया है। रियलिटी क्या है मैं पूछती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द राइट टू एजुकेशन टू एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, लेकिन व्हाट इज राइट टू एजुकेशन ये मालूम है? राइट टू एजुकेशन किन पैरामीटर्स को एनकम्पास करता है ये मालूम है? राइट टू एजुकेशन मीन्स कि अच्छा बिल्डिंग होना चाहिए, स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज होना चाहिए, टॉयलेट होने चाहिए, क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, एंड टीचर पेपर रेशियो शुड बी मेंटेन। टीचर पेपर रेशियो मेंटेन नहीं है, कहीं 80 बच्चे हैं, कहीं 120 बच्चे हैं, एक ही टीचर है। टॉयलेट कितने स्कूल में है आप पूरे बिहार में जनता बता देंगे? टॉयलेट है नहीं स्कूल में, ड्रिंकिंग वाटर तो छोड़ा दीजिए, ड्रिंकिंग वाटर तो है ही नहीं। तो जब ये सब मेंटेन ही नहीं है तो राइट टू एजुकेशन की चर्चा क्यों होती है? एजुकेशन पे बजट बढ़ा देने से फायदा क्या है जब राइट टू एजुकेशन की परिभाषा का पैरामीटर्स ही नहीं मालूम है? मध्य विद्यालय जो विद्यालय है इनको उत्कलित तो कर दिया जाता है, लेकिन क्या स्पेशलाइज टीचर्स भेजे जाते हैं? वही टीचर हिंदी पढ़ाता है, वही टीचर इंग्लिश में पढ़ा देता है। आई एम सो सॉरी, इंग्लिश के टीचर हिंदी कैसे पढ़ा देते हैं, मैथ के टीचर हिस्ट्री कैसे पढ़ा देते हैं? बट द फैक्ट इज दिस, आंखें खोले, हर विधानसभा क्षेत्र में यही हो रहा है कि हिस्ट्री के टीचर हिंदी इंग्लिश मैथ से पढ़ा दे रहे हैं, टीचर्स की भारी कमी है। आखिर जो 2000 करोड़ बजट बढ़ाया गया किस क्षेत्र में बढ़ाया गया जब टीचर्स की अभी भी कमी है? ऐसे बच्चे मैट्रिक में फेल नहीं करेंगे तो पास करेंगे, आत्महत्या करनी है बच्चे, जिम्मेदारी कौन? क्या सरकार लेगी? माँ बाप लेंगी? टीचर्स को पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल पे है, कहीं हाई सैलरी है, एक ही काम के किसी को इक्वल वेज नहीं मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की तो धज्जा उड़ा दी गई है। इक्वल वर्क करते हैं लेकिन इक्वल पेमेंट पूरा होता है, ऐसे कभी भी शिक्षा का जो सिस्टम है कभी सुधार नहीं पाएगा। जिस दिन हम विधायक, जिस दिन हम बड़े बड़े पदाधिकारी सोच गए कि अपने विधानसभा के सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएं, सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराएं, अपने आप ही वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हम कांप जाते हैं, हम कांप जाते हैं ये सोच करके ही कि कैसे हमारे बच्चे इसमें पढ़ेंगे। तो शिक्षा की स्थिति तो बहुत बदतर है, हायर एजुकेशन में फेज बना दिया गया है जो जबकि फ्री कंपल्सरी एजुकेशन की चर्चा महात्मा गांधी किया करते थे, उस हिसाब से ग्रेजुएशन तक फेज माफ कर देना चाहिए ताकि गरीब बच्चे जो है ये ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर सके। अगर एक बच्चे ग्रेजुएट हो जाएंगे, सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी नहीं भी मिले, कुछ न कुछ करके वो कमाना शुरू कर देंगे।
एजुकेशन सिस्टम जो है इसमें भारी सुधार की जरूरत है। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बहुत कम है। गांव में जो प्राथमिक सेवा केंद्र है उसमें तो डॉक्टर्स ही नहीं है, सामने में खेत खलिहान बना हुआ रहता है। जनता कहती है कि हमें इतना दूर जाना पड़ता है, यहाँ डॉक्टर्स को बुलाया जाए। डॉक्टर्स का एक अलग ही लाभ रहता है, आप एक ट्रिप पे कंप्लेन कीजिए तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन द रिजल्ट इज वर्क डैमेज जीरो, काम कुछ नहीं हो रहा है। जिस प्राथमिक सेवा केंद्र में डॉक्टर नहीं है उसमें डॉक्टर्स नहीं है, जहाँ नर्स नहीं है वहाँ नर्स नहीं है, लैब टेक्नीशियंस की भारी कमी है। बाहर से डॉक्टर्स को बुलाकर लाया जा रहा है, बिहार में बेरोजगारी है लेकिन बिहार के डॉक्टर्स को उस लायक शायद नहीं समझा जा रहा है कि उन्हें भर्ती किया जाए। टीचर्स एंड डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं कर सकते हैं, ये इनोवेटिव वर्क है, इनको जब तक मोटिवेट नहीं किया जाएगा ये लोग 100% नहीं देंगे। जैसे टीचर्स एंड डॉक्टर्स शुड नेवर बी एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्वास्थ्य में कम से कम हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की जरूरत है। पेशेंट्स बहुत है, पेशेंट डॉक्टर रेशियो इतना ज्यादा है, द गैप इज सो बिग, यू कैनॉट ब्लेम द डॉक्टर्स। आप 3 CH में जाइए मरीज को देखने के लिए, चलने का जगह नहीं है, जमीन पर पेशेंट्स धो रहते हैं, उसी में कुत्ते भी घूमते रहते हैं, कुत्ते से बच बचाकर अंदर जाना पड़ता है, जानवर चूहे सब ऑपरेशन थिएटर के अंदर रहते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा है? गंदगी का अंबार खोजिए तो आपको सरकारी अस्पताल में मिल जाएगा। मौत का पर्याय हो चुका है सरकारी हॉस्पिटल। जब IGIMS बना था, का निर्माण हुआ था, तो ये एम्स के पाचन पे बनाया गया था कि एम्स वाले फैसिलिटीज हमारे IGIMS में हो, लेकिन क्या ऐसा हो पाया? जहां पर एम्स में 5,000 फीस एक बच्चे को देना पड़ता है पढ़ाई के लिए, IGIMS में 20 गुना ज्यादा फीस देना पड़ता है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 10,000 एक साल में वो लोग को, 1,00,000 वो लोग ऑलमोस्ट लग जाता है IGIMS में, 20 गुना फीस है। जब एम्स के पार्टनर बनाया गया तो यहाँ का फीस क्यों बढ़ा दिया गया? जो गरीब बच्चे हैं सरकारी अच्छे अंक ला करके भी इसमें पढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। जो IGIMS का प्राइवेट वार्ड है, नोट किया जाए, इसका काफी महंगा है और एक साधारण परिवार के लोग प्राइवेट वार्ड को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। बेड्स की कमी है, बेड नहीं बढ़ाया जा रहा है। और अभी जो एन्सेफेलाइटिस मुजफ्फरपुर में हुआ है, इसमें डॉक्टर का मानना है कि अगर इन बच्चों को 2 दिन वेंटिलेटर में रखा जाता तो बच्चे बच जाते। 5 साल 6 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि हर साल गर्मी के मौसम में मुजफ्फरपुर में बच्चे मरते हैं। रिसर्च बताता है कि वेंटिलेटर लाइफ सपोर्ट में अगर बच्चों को रखा जाए तो 2 दिन में बच जाएंगे। 15 साल से ये सरकार है, ये सरकार से इन 15 साल का हिसाब मांगो तो पिछले 15 साल की गप ये करते हैं और अपने 15 साल में ये क्या किए बताना ही नहीं चाहते हैं। ये 15 साल में ये लोग क्या किए कि अभी तक वेंटिलेटर्स नहीं है, अगर वेंटिलेटर्स इन बच्चों को मिलता तो कुछ लोग तो बच जाते। 15 साल देर युग होता है, 10 साल का एक युग होता है, देर युग बच गया। ये सरकार क्या करे? और अब तो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में भी क्या इतनी ताकत नहीं है कि ये 15 साल की, जब मैं इस 15 साल की बात करते हैं तो मैटर को डाइवर्ट किया जाता है सर, और पिछले 15 साल पे जाए। प्लीज डोंट डाइवर्ट द मैटर, लेट अस स्टिक टू द प्रेजेंट एंड टॉक व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट। आज ये प्रेजेंट सिनेरियो है सर, इट इज वेरी बैड। शिक्षा त्रस्त है, स्वास्थ्य त्रस्त है, बच्चे को मारा जाए जा रहे हैं। सर माननीय सदस्य, सर वी डोंट लिव इन द पास्ट, सर वी डोंट लिव इन द पास्ट, वी लिव इन द प्रेजेंट एंड वी थिंक अबाउट द फ्यूचर। प्रेजेंट क्या है? 300 बच्चे मर चुके हैं, टीवी बता रहे हैं 150 बच्चे मरे हैं, कोई क्रिकेट स्कोर में बिजी है, कोई क्रिकेट स्कोर में बिजी है, कोई सोने में बिजी है सर, लेकिन 300 बच्चे मरे हैं कोई नहीं बोल रहा है। 160 से आगे मंत्री जी को मालूम ही नहीं कि 160 बच्चे से ज्यादा मरे, विपक्ष में रहते हुए आंसर प्लीज हो बांधे ऐसी नहीं कहना अंदर माइंड द विपक्ष। अगर सरकार चलती है तो विपक्ष के साथ चलती है, और विपक्ष भी है वो ग्रेटर रोल टूटे, पक्ष वाले को सिर्फ सरकार की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन जो विपक्ष होते हैं उनका काम होता है सरकार की आंखें खोलना। एंड आई मस्ट से आपका ग्रेटनेस होगा अगर आप हमारी बात सुने और उस हिसाब से आप सुधार लाए। बिहार सिर्फ आपका नहीं है, बिहार हमारा भी है, बिहार हमारा भी है,
और बिहार की तरक्की हम भी चाहते हैं। दिस इज अ टेंपल ऑफ डेवलपमेंट, विधानसभा में हम लोग बैठे हैं, इसे टेंपल ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, लेकिन इज दिस अ टेंपल ऑफ डेवलपमेंट? क्या यहाँ विकास की बातें होती है? यहाँ सेल्फ पीठ थपथपाने की बात ज्यादा होती है, विपक्ष को दबाने की बात होती है, हाउस चले नहीं चले, विपक्ष रहे नहीं रहे, बजट पास कर दिया जाता है, विपक्ष को दबाए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जी उड़ाई जा रही है। और अगर इसी तरह चलता रहे तो दूर नहीं जब हम लोग अंग्रेज का गुलामी बनाए अपने लोगों के हाथों हम लोग गुलाम बन जाएंगे। इस बजट में बहुत कमी है, गरीबों को ध्यान में रखना चाहिए था, माइनॉरिटीज को ध्यान में रख करके ये बजट बनाना चाहिए था। आप मुझे बोलने का मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन बातों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। माननीय सदस्य ललन पासवान जी, माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी, सभापति महोदय, आज बिहार सरकार के यशस्वी वित्त मंत्री माननीय सुशील मोदी जी के द्वारा इस सदन में पेश किए गए बजट के ऊपर चर्चा हो रही है। और माननीय सभापति महोदय, जो हमारे विपक्ष के मित्र हैं, शायद वो दिल से ही सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, चूंकि विरोध करने का उनका दायित्व है, इसलिए विरोध करना उनके लिए भी आवश्यक है, इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे मालूम है कि जब बिहार के गांव में जाते हैं और इस सरकार के यशस्वी कार्य जिसको देख करके जनता भी मुस्कुराती है, तो ये भी उनके साथ मुस्कुराने का काम करते हैं महोदय। और अभी हाल में संपन्न लोकसभा के चुनाव, और यह जो लोकसभा का चुनाव हुआ महोदय, सबसे बड़ी अदालत ने भी इस सरकार के पक्ष में फैसला दिया है, और 53% वोट लेकर, 53% वोट लेकर के हम लोगों ने जीत हासिल की है बिहार के महान जनता के आशीर्वाद से। और महोदय, ये सब काम के आधार पर हुआ है महोदय। अगर इस सरकार के यशस्वी कार्य ने अगर एक एक गरीब के झोपड़ी में बिजली पहुंचाने का कार्य किया है, तो इस सरकार के बजट के कारण किया है, क्योंकि हमको भी यह मालूम है और इनको भी मालूम है कि 2005 में महोदय इस राज्य सरकार का बजट क्या था। 2005 में जब सत्ता हम लोगों को मिली थी तो 24,000 करोड़ के आसपास का बजट हुआ करता था, और इस बार जो फरवरी में हमने बजट पेश किया है वह 2,00,000 करोड़ का बजट है महोदय। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है महोदय। और महोदय, विपक्ष के मित्र जब विरोध करते हैं तो भूल जाते हैं कि इनको भी, इनके जब राजपाट जब इनका चलता था बिहार में, एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था तो गांव में सत्यनारायण भगवान का कथा लोग भागते थे, और 6 महीना तक वो ट्रांसफार्मर नहीं लगता था, और कई बार गांव के लोग आपस में चंदा इकट्ठा किया करते थे, ट्रैक्टर भाड़ा करते थे, और तब जाके वो ट्रांसफार्मर का स्थापन होता था महोदय। और आज हमारे माननीय सदस्य जो विपक्ष के हैं, वे टेलीफोन करते हैं तो कार्यपालक अभियंता अपने स्टाफ के माध्यम से 72 घंटा के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने का काम करता है महोदय। यह सरकार की उपलब्धि है महोदय। महोदय, मैं केवल बिजली विभाग की बात करता हूं, अगर 39,073 गांव में विद्युतीकरण करके और 1,06,239 टोलों और 32.49 लाख इच्छुक परिवारों को निःशुल्क अगर कनेक्शन दिया है, तो क्या सरकार को इसके लिए वाहवाही नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन हमको लगता है कि हमारे विपक्ष के जो मित्र हैं, वो केवल और केवल विरोधात्मक बात करने के लिए सदन में आते हैं महोदय। आज पूरे बिहार में 23 से 24 घंटा की बिजली सबको मिल रही है महोदय, और आज यही कारण है कि इस देश में और देश के साथ बिहार में एक सबसे बड़ा ऐसा वातावरण बना है कि चाहे दिल्ली में बैठी सरकार कोई काम करती है या पटना में बैठी सरकार काम करती है, तो गांव में गरीब झोपड़ी में टेलीविजन के माध्यम से भी उस विषय को जान जाता है महोदय। यह हमारे सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है महोदय। महोदय, आज 71,672 सर्किट किलोमीटर बिजली के जो खराब तार हैं उनको बदलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, और हमने तो घरों में ही बिजली नहीं पहुंचाई महोदय, हमने तो बिजली अब खेतों में पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है, और हमारे बिहार के किसानों के लिए एक अमृत योजना के रूप में
यह काम शुरू हो रहा है महोदय, जो दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से हमने अगर घर में बिजली पहुंचाई तो हम किसानों के खेत में भी बिजली पहुंचाने का काम हमारा युद्ध स्तर पर जारी है। और हमारे विपक्ष के भी मित्र अब गांव में जाते हैं तो अपने वोटर को कहते हैं कि हमारे प्रयास से यह हो रहा है महोदय, लेकिन सदन में कहने के लिए ये साहस नहीं जुटा पाते हैं महोदय। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर बिहार के गरीबों की चिंता इस सरकार ने की तो बिहार के किसानों की भी चिंता इस सरकार ने की। और जिस दिन विद्युत से सिंचाई शुरू होगा महोदय, जब विद्युत से सिंचाई शुरू होगा तो जहां 100 रुपए का खर्च लगता था वहां 5 रुपए में सिंचाई हो जाएगा, ये इस सरकार की सबसे बड़ी सफलता है महोदय। महोदय, इसी सदन में जीएसटी पर बड़े प्रश्न उठाए जाते थे और मैं तो विपक्ष के साथियों को कहूंगा कि टीआरएस नाम की जो संस्था है जिसने इसका विश्लेषण किया उसको भी ठीक से पढ़िए। और इसने कहा है कि जीएसटी लागू होने से 78% जो राज्य सरकार को जो आज कर मिल रहा है, जो उसकी हिस्सेदारी हुई है, जो केंद्रीय करों में राज्य सरकार को हिस्सेदारी हो रही है, वो इसके कारण हुई है महोदय। और आज हमारी सरकार हर क्षेत्र में बढ़कर के काम कर रही है, तो इसलिए कर रही है कि सरकार का खजाना सरकार जैसा करना चाहती है वैसा सरकार का खजाना हमारे सरकार के वित्तीय प्रबंधन के कारण हुआ है महोदय। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद GSDP मौजूदा मूल्य पर 5,72,827 करोड़ रुपए अनुमानित है और यह 2018-19 के संशोधित अनुमान से 5% अधिक है महोदय, ये सरकार के बेहतर वित्तीय प्रबंधन का यह नतीजा है महोदय। महोदय, ये कहा जाता है और मुझे तो कभी कभी लगता है कि महात्मा गांधी जी को आदर्श मानने वाले लोग जब स्वच्छता की बात करते हैं वो भूल जाते हैं कि आजादी के इतने दिनों के पश्चात अगर एक गरीब के घर में शौचालय नहीं बना था तो यह सबसे बड़ी विफलता थी। और अगर इस काम को किसी ने किया है तो हमारी केंद्र में एनडीए की सरकार और राज्य में एनडीए की सरकार ने करके दिखाया महोदय। और यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उप मुख्यमंत्री के सदन में इस बात को कहते हैं कि आगामी बापू की जयंती पर हम बिहार के एक भी किसी स्थान को एक भी घर को खुले में शौच से नहीं जाने देंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बापू को भी सम्मान है महोदय। महोदय, अपने इसी काम के आधार पर बिहार की सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर 11 पुरस्कार प्राप्त किए हैं और अगर 11 पुरस्कार जिस राज्य सरकार को मिला है उसके 70% को तो इसके लिए गौरवान्वित होना भी चाहिए लेकिन विपक्ष को भी इसके लिए गौरव का अनुभव करना चाहिए महोदय। क्योंकि अगर राज्य की खुशहाली अगर सत्ता पक्ष का दायित्व है तो विपक्ष का भी दायित्व है कि राज्य की खुशहाली होना चाहिए। लेकिन अगर हमारी सरकार 11 पुरस्कार प्राप्त किए हैं और हमारी सरकार ने ऐसे ऐसे सामाजिक निर्णय लिए और उसमें सबसे बड़ा निर्णय है शराबबंदी का निर्णय जो सीधे सीधे एक सामाजिक बदलाव की ओर इस राज्य को ले जा रहा है महोदय। और शराबबंदी के माध्यम से हमारी सरकार ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है और जिन लोगों ने भी इसको चुनौती दिया है, जिन लोगों ने भी इसमें खलल डालने का प्रयास किया है, वैसे लोगों को भी सरकार ने बख्शा नहीं है और वैसे लोगों को भी सरकार ने जेल में डालने का काम किया है। और जिन परिवारों ने भी शराबबंदी को अपनाया है उन परिवारों के परिवार में भी खुशहाली पहुंची है महोदय, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है महोदय। महोदय, जब हम कहना चाहते हैं कि राज्य में अगर सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP से अभिषेक में अगर 70.9% ग्रोथ हुआ है तो यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है और इस पर सरकार को विपक्ष को धन्यवाद भी देना चाहिए महोदय। महोदय, आज सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे मित्र सदन में बैठते हैं तो सदन में ये भूल जाते हैं कि जनता मालिक है। हम सब लोग जो लोग भी इस सदन में चुन के आते हैं जनता के माध्यम से चुन के आते हैं और जब जनता हमको भेजती है तो जनता इस बात की भी इंतजार करती है कि जो लोग भी सदन में जाते हैं सदन में कुछ सही बात बोल करके आवे ताकि जनता को भी उन पर गर्व हो महोदय। और इसलिए आज हम कहना चाहते हैं कि आज देश में जो 3 सरकार की कल्पना साकार हुई है, केंद्र की सरकार पूरे देश के विकास का खाका खींच रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद अगर राज्य की सरकार 2 सरकारों को पहले दिखती थी महोदय, लेकिन जो पंचायत की सरकार है वो नहीं दिखती थी महोदय, लेकिन आज सबसे बड़ा गर्व का अनुभव इस देश का हर एक व्यक्ति कर रहा है कि जब सरकार का जो सबसे सशक्त
तीन सरकारों में जो सबसे सशक्त केंद्र है वह है पंचायत सरकार। तो आज पंचायत ग्राम पंचायतों में मुखिया के माध्यम से, वार्ड के माध्यम से, बीडीसी के माध्यम से आज जो ग्राम पंचायत से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अपने पंचायतों का अगर विकास कर रहे हैं तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कारण हो रहा है महोदय। और आज बिहार का एक एक गांव आज विकसित हो रहा है और उसी के कारण चाहे जितने भी बदलाव आपको दिख रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है महोदय। और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को ये सरकार मजबूत कर रही है, उनको हर प्रकार के वित्तीय प्रबंधन कर रही है और उस वित्तीय प्रबंधन के कारण आज समाज में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है महोदय। जीविका के माध्यम से जो हमारी गरीब महिलाएं थी, जो समाज में उपेक्षित थी, जो घर के अंदर रहती थी, पर्दा प्रथा के कारण उनके जीवन में बहुत प्रकार के संकट आते थे, वैसे महिलाओं को भी समाज के बीच में ला करके हमारी सरकार ने जीविका के माध्यम से उनके द्वारा कई प्रकार के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लगभग 96.50 लाख से भी अधिक परिवारों को इससे जोड़ा गया और 52,000 ग्राम संगठन और 878 संकुल स्तरीय संघों का गठन करके सरकार ने बहुत बड़ा बिहार में एक रेखा खींचने का काम किया है महोदय, जो विकास के लिए बहुत बड़ा आज हम सब लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है महोदय। महोदय सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से और हमको तो लगता है चाहे सड़क दुर्घटना हो जाए, चाहे किसी प्रकार की आपदा हो जाए, आपदा के समय हमारी सरकार बिहार के एक एक व्यक्ति के साथ खड़े बनती है। और महोदय पहले एक समय था 6-6 महीने तक कोई व्यक्ति अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था, आपदा का शिकार हो जाता था, 6-6 महीने तक उसके सुनने वाला नहीं होता था। लेकिन चाहे बाढ़ का मामला हो, सुखाड़ का मामला हो, ओलावृष्टि का मामला हो, ये सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया है और यह सरकार किसानों के साथ भी खड़ा रहा है। यह सरकार एक एक व्यक्ति के साथ खड़ी रही है महोदय और किसी भी किसान को, किसी भी नागरिक को और जाकर के अब कलेक्टर के यहाँ और राज्य सरकार के दफ्तर में उसके लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2017 में हम आई गंडक नदी में बाढ़ है महोदय, केवल मेरे एक विधानसभा में 52,000 लोगों को 600,000 रुपया सरकार ने दे करके और उनकी जिंदगी को बदलने का काम किया है महोदय, बदलने का काम किया है महोदय। महोदय जब प्रधानमंत्री आवास की बात हम करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि अमीरों के लिए घर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए घर का सपना एक चांद देखने जैसा सपना है महोदय। लेकिन आज जब गरीबों को 1,30,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से और बाकी पैसे जो हमारे मनरेगा के माध्यम से लगभग 1,50,000 का घर एक गरीब को जब मिलता है महोदय और जब पहला नारियल अपने घर के सामने फोड़ता है तो वहां एक तरफ जहां भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों का जिंदाबाद करता है तब 53% वोट देकर के और एनडीए को फिर से सत्ता में वापसी करता है महोदय। यह बिहार में बदलाव हुआ है महोदय और यह हमारे वित्तीय प्रबंधन के कारण, हमारे बजटीय उत्पन्न के कारण हुआ है महोदय। महोदय एक तरफ जहां हम घर में बिजली पहुंचा रहे हैं, वक्त घर में हम एक एक गरीब को घर की सुविधा दे रहे हैं महोदय, एक एक गरीब के घर में शौचालय का निर्माण कर रहे हैं महोदय, गांव के सड़कों का निर्माण हम बड़े पैमाने पर हमने किया है महोदय, हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जो PMGSY के रोड थे उनका भी बिहार में कोई आने वाले दिनों में कोई सड़क नहीं बच जाएगी महोदय। इस प्रकार से एक एक विषय पर यह सरकार जबरदस्त काम कर रही है महोदय और इसी का परिणाम है कि देश का एक एक व्यक्ति, राज्य का एक एक व्यक्ति एनडीए के साथ खड़ा है महोदय। और महोदय जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, कौशल विकास की बात करते हैं तो हमको पुराने दिनों की भी याद आ जाती है महोदय। जब कभी इसी बिहार की चर्चा महोदय हुआ करती थी चरवाहा विद्यालय के नाम पे, मैं किसी तारीफ नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन ये राजेंद्र बाबू का बिहार है महोदय और राजेंद्र बाबू के बिहार में चरवाहा विद्यालय नहीं खुलना चाहिए महोदय। राजेंद्र बाबू के बिहार में अगर खुलना चाहिए तो IIM खुलना चाहिए और हमारी सरकार ने खोल करके दिखाया है महोदय। महोदय हमारे बिहार के तमाम हाई स्कूलों में, तमाम हाई स्कूलों में प्रयोगशाला के लिए 5-5 लाख रुपए दिए हैं महोदय और तमाम स्कूलों में बेंच खरीदने के लिए अगर हमने 3-3 लाख रुपए भेजने का काम किया है महोदय तो स्कूलों की स्थिति भी बदल रही है। हमारी बच्चियां साइकिल पर चल करके विद्यालय जाती है महोदय और बच्चियां जब साइकिल की घंटी बजाती है तो साइकिल की घंटी बजाने वाली बच्चियां इस बात के लिए प्रेरणा देकर के हमको जाती है। ये वैसी सरकार है जो गरीब की बेटी को, जिसने कभी साइकिल का सपना नहीं देखा होगा, उसको स्कूल भेजने के लिए भी साइकिल देती है महोदय। ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है।
चाहे उनको इस पर हर प्रकार का, चाहे उनको पोशाक का मामला हो, महोदय छात्रवृत्ति का मामला हो, हमारी सरकार हर गरीब के बेटियों को पढ़ाने के लिए, हर गरीब के बच्चे को उन्नत शिक्षा देने के लिए, चाहे वो 4 लाख रुपए का लोन की बात हो महोदय, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय में जो प्रावधान किया है महोदय, ये पूरे बिहार को बदलने का अभियान है महोदय। और बिहार बदल रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, और जिनको ये दिखाई नहीं देता है महोदय, वो 0 पर आउट होते हैं चुनाव में महोदय। यह बात इस बिहार में स्थापित हुआ है महोदय। और महोदय सबसे बड़ी बात है कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कहने वाले तो आज कहते हैं कि हॉस्पिटल में कुत्ते बिल्ली घूमते हैं और उनको पता नहीं है, पहले हॉस्पिटल में लोग डर के मारे नहीं जाते थे, और आज हॉस्पिटल में इसलिए भीड़ होती है कि आज हॉस्पिटल में इलाज होता है महोदय। और हमारी एनडीए की सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, चाहे पीएमसीएच चले जाइए, एनएमसीएच चले जाइए, जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में चले जाइए, या राज्य के किसी पीएचसी में चले जाइए, अब हर जगह चिकित्सा होती है। और पहले जो खून का टेस्ट उड़ीस किया करते थे, खून का टेस्ट जो मच्छर किया करते थे, उसके लिए आज अलग व्यवस्था बनी है महोदय। और आज बिहार की जनता इस बात को जानती है महोदय, और इस बात को विपक्ष हमारा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है महोदय। आज हालात बदल गए हैं महोदय, ठीक है, बीमारियां बढ़ी हैं, सरकार के लिए चुनौती है, सरकार उस चुनौती का सामना मजबूती से कर रही है, और हम ठोक के बोलते हैं महोदय, किसी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए एनडीए सरकार हमारी तैयार है, हम किसी चुनौती से भागने वाले लोग नहीं है महोदय। इसलिए हमारी सरकार ने चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, उल्लेखनीय योगदान किया है महोदय। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि बिहार में IIM खुलेगा, लेकिन जिनको नहीं पता बात को जान लें, और जिनका गड़बड़ है वो मंगल पांडे जी के अस्पताल में जाके आंख की जांच करा लें और गया चले जाए, उनको पता चलेगा कि वहां IIM बन रहा है महोदय, वहां IIM बन रहा है। लेकिन आप बताइए आखिर पहले क्यों नहीं खुली? अब आज हर लगभग 2 जिलों पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है, सरकार दूसरे एम्स के लिए काम कर रही है। जब पहला एम्स बिहार में खुला तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय खुला, सुषमा स्वराज जी उसके समय हेल्थ मिनिस्टर थी तब खुला, और दूसरा अगर आज एम्स खोलने की बात हो रही है, आज भी एनडीए की सरकार है, अगर बिहार में एक एम्स खुला दूसरा खोलने की बात है तो एनडीए कर रही है। पहले किसी को किसी ने रोका नहीं था महोदय, और इसलिए आज मैं कहना चाहूंगा कि आज बिहार की सरकार की आलोचना करने वाले लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जब कोई परेशानी होती है वहीं जाते हैं, वहीं सब सुख सुविधा पाते हैं, और बाहर निकलते हैं तो आलोचना करते हुए चले आते हैं। या जनता देख रही है, और जनता देखती है तो जनता 5 साल पर जब वोट आता है तो जनता उस समय इस विषय पर अपना रिएक्शन देती है, आज जब रिएक्शन देती है तो खूब देती है, जो इस बार 53% के माध्यम से मिला है महोदय, 53% के माध्यम से मिला है महोदय। सबसे बड़ी बात है कि कहा तो जाता है कि बिहार में अपराध बहुत बढ़ गया, लेकिन क्या अब कोई ऐसा भी कोई विषय आता है क्या कि कोई अपराधी किसी मंत्री के आवास से पकड़ा जाता हो? क्या ऐसा भी कोई बात आता है क्या किसी अपराधी को छोड़ने के लिए कोई मंत्री और विधायक यहां से टेलीफोन जाता हो महोदय? हमारी सरकार पूरी तरह अपराधियों के खिलाफ है महोदय, और हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, और यही कारण है कि अपराधी बिल में घुसते जा रहे हैं। हमारे राज्य का DGP अब दिन रात लोगों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से और जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं महोदय, ये बदलाव हुआ है महोदय। और हमने बिहार में अमन चैन की राज स्थापना हमने की है महोदय। और महोदय हर प्रकार का मामला, चाहे आज अनुदान के मामले में आप देख लीजिए, अनुदान के मामले में जो बहुत सारे ऐसे बोर्ड निगम बंद हो गए जिनको कोई पूछने वाला नहीं था महोदय, एक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, इसके हालात क्या थे महोदय 2005 के पहले, और आज बिहार का सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला निगम बन गया महोदय। ये इस सरकार के वित्तीय प्रबंधन और इस सरकार के सफल संचालन का नतीजा है महोदय। महोदय आज अगर हर घर नल जल देने की बात हो रही है, कभी किसी ने सोचा था कि हर गरीब के घर पर 350 फीट के नीचे से पानी आएगा और उसको पेयजल की सुविधा प्रदान करेगी? ये इसी सरकार ने करके दिखाया है महोदय, जो बहुत जगह चालू हो गया, और बाकी 1 साल के अंदर लगभग हर परिवार को हर घर नल के जल के माध्यम से लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलने वाला है महोदय। और हमारे इतने उभर हुए टैंक थे, चाहे हमारे PHD विभाग के द्वारा हो, चाहे अन्य प्रकार के योजनाओं से लोगों ने बनाया था, हर प्रकार के जो पेयजल की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है महोदय।
महोदय, जब मानसून कम आता है, जब वर्षा कम होती है, सूखा पड़ता है, उसके लिए भी सरकार ने हर प्रकार की तैयारी की है महोदय। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बिहार में मिट्टी का नमूना लेकर के जब उसकी जांच हो रही थी, बहुत सारे लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते थे महोदय, लेकिन जब इसकी पूरी जांच हुई और उस जांच को जिस किसान ने पहचाना मौके उसके हिसाब से जब उन्होंने खेती शुरू की, तो उसमें अलग अलग प्रकार के किसानों के अनुभव आए हैं महोदय, और उस अनुभव के आधार पर हमारे किसानों की आमदनी दुगुनी होती जा रही है महोदय। महोदय, कभी किसी ने सोचा था कि बिहार में भी इथेनॉल का उत्पादन होगा? लेकिन अगर इसी बिहार में पहले गन्ना की खेती करने वाले किसान केवल चीनी का उत्पादन जानते थे कि गन्ना की खेती से केवल चीनी का उत्पादन होगा, लेकिन आज हमारी सरकार ने इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए जिस प्रकार का एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है, उससे हमारे जो पेट्रोलियम सेक्टर है उसमें एक आंदोलनात्मक रास्ता दिखाई दे रहा है महोदय, कि हम बिहार के किसानों के द्वारा उपजाए किए हुए जो गन्ना है उसके माध्यम से हम पेट्रोलियम पदार्थों का कीमत कम करेंगे, किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे। और जो किसान पहले गन्ना लगा करके और आत्महत्या करने का प्लान किया करते थे ऐसे 10 साल पहले, वो किसान आज खुशहाल हो रहे हैं महोदय। इस प्रकार की वित्तीय प्रबंधन हमारी सरकार ने किया है महोदय। इसलिए महोदय मैं तो कहना चाहूंगा कि पशुपालन का क्षेत्र, आप कहते हैं पशुपालन का क्षेत्र का जब नाम आता है तो इसी बिहार ने गोल्ड मेडल कभी लिया था महोदय, पशुपालन विभाग के नाम पर तो गोल्ड मेडल मिला था बिहार को। और आज यही बिहार पशुपालन के मामले में महोदय, जहां हॉस्पिटल का कोई अता पता नहीं था, वहां भवन बनाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे भवन बनाए जा रहे हैं, वहां चिकित्सकों की व्यवस्था हो रही है, जानवरों के टीकाकरण हो रहे हैं महोदय, और इसके लिए भी बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है महोदय। सूखे में उनके पीने के पानी की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है महोदय, ये पहले कभी नहीं हुआ था महोदय, और यही हमारी सरकार का सबसे बड़ा, अगर प्रशस्त उसका मार्ग प्रशस्त होता रहा है तो ये सबसे बड़ा हमारा यह आधार है महोदय। मतलब महोदय, आज जो मछली पहले उत्पादन होते थे बिहार में, आपको मालूम है कि बिहार का सबसे बड़ा भूभाग सालों भर पानी में डूबा रहता था। बहुत सारे मछुआरे ऐसे थे जो अगर मछली बहुत मुश्किल से निकाल लेते थे तो उनके माथे पर से मछली का टोकरी लोग छीन करके लेकर के चले जाते थे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था महोदय। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की जो मछली पालने वाले लोग थे, एक बड़े उद्योग के रूप में बिहार में मत्स्य पालन का उद्योग स्थापित हो रहा है महोदय, और उसके लिए केसीसी द्वारा उनको लोन की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है महोदय। चाहे डेयरी उत्पादन करने वाले लोग हैं, दूध उत्पादन करने वाला हो या मछली उत्पादन करने वाला हो, इसकी भी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है महोदय। इसलिए महोदय, कागज पर नहीं है, धरती पर भी है, और अभी आप लोगों को धरती का अंदाजा हो गया है महोदय। सबसे बड़ी बात, बार बार विपक्ष द्वारा कहा जाता है महोदय कि आरा में प्रधानमंत्री जी आए थे, बिहार की बोली लगा के चले गए, और जो लोग ये बात कहते हैं भूल जाते हैं कि जब हाथ में लेटर पैड और कलम लेकर के जब घर से निकलते हैं तो उसी प्रधानमंत्री पैकेज के नाम पर सड़क के निर्माण की बात करते हैं महोदय। और आज बिहार में एक समय था जब खराब रास्ता में लोग घुसता था तो कहता था कि बिहार आ गया। एक वो भी समय था महोदय जो बिहार के सड़कों पर चलने वाली गाड़ी का हॉर्न छोड़ करके बाकी सारा डिपार्टमेंट उसका आवाज करता था महोदय। और आज बिहार में चले जाइए, चाहे पूर्णिया से हमारे माननीय विधायक आते हो, किशनगंज से हमारे माननीय विधायक आते हो, हमारे कैमूर से आते हो, चाहे गोपालगंज और बगहा से आते हो, हमारे सभी माननीय सदस्यों को 4 घंटा और 5 घंटा से ज्यादा समय महोदय नहीं लगता है। और आज बिहार की सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है तो हमारे बजटीय प्रबंध के कारण हुई है महोदय, हमारे सरकार के निष्ठा और सरकार के काम के माध्यम से हुई है महोदय। तो आज महोदय हम लोगों ने हर सेक्टर में हम लोगों ने बड़े बदलाव किए हैं, हमने क्रांतिकारी उपलब्धि हासिल की है। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि सदन को पूरा विपक्ष और पक्ष दोनों तरफ के जो माननीय सदस्य हैं, सब लोगों को, हमारी सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे वित्त मंत्री जी को एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके देना चाहिए कि आज 2 लाख करोड़ का अगर बजट इस सदन में आया है और सरकार कह रही है आवश्यकता होगी तो अलग से भी हम फिर से सप्लीमेंट्री लाएंगे, ऐसी सरकार गर्व करना चाहिए ऐसी सरकार पर महोदय। इसलिए हम अपनी सरकार द्वारा किए गए बजट जो पेश हुआ है उसके समर्थन में हम अपनी बात कहके और महोदय आपको धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई कहीं सभापति महोदय,
शपथ लेने प्री बजट के पक्ष में सरकार के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय दिया। महोदय, आजादी के 70 साल हो गए, कई सरकारें इस सदन में आई गई, 50 साल 55 साल कांग्रेस रही है, 15 साल माननीय लालू प्रसाद जी की सरकार रही है। बिहार के सच को दल और पार्टी से ऊपर उठकर हम यहां बैठे हुए लोगों, हम जब आते हैं तो शपथ लेते हैं कि भारत की एकता और अखंडता की बात करते हैं, लेकिन जब बात विकास की आती है, जब बात विचारों की आती है, तब पार्टियों और दलों में बट जाया करते हैं। हम बिहार को अलग कर देते हैं, हम दलों को कपार पर रख लेते हैं और माथे पर ढोते हैं दलों को, विचारों को। और हम भी ये बात के पक्षधर हैं कि निश्चित तौर से हम नहीं करते, लेकिन दक्षिणी भारत के राज्यों में विकास के सवाल पर पूरा राज्य, चाहे पार्लियामेंट की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, एक साथ खड़ा होता है, लेकिन हम इससे विचलित हो जाते हैं। यही कारण रहा है कि हम विकास की जब चर्चा करने की बात करते हैं तो हमारे प्रत्यारोप से एक दूसरे को कोसने का काम करते हैं और हम अपनी सही बातों को, सच बातों को दबा देने का काम करते हैं। लेकिन बात तो कहनी पड़ेगी और आज नहीं कल लोग उसको बताएगा ही। ये सदन बिहार का सर्वोच्च सदन है। महोदय, विकास की अगर हम चर्चा करें तो निश्चित तौर से हमको आईने में पहले की सरकारों को भी देखनी चाहिए, कई लोग हैं ही। और कल का बिहार, वर्तमान का बिहार, आने वाला बिहार कैसा होगा, इस पर हमको निश्चित तौर से चर्चा करना चाहिए, सबका हक है, क्योंकि सभी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। महोदय, लंबे दिनों हमको एक बात याद आ रही है, हम लोगों ने पढ़ा देखा नहीं, 1540 में शेरशाह इसी भारत का एक बादशाह हुआ करता था, जिस जगह से मैं आता हूं, और उसने कल्पना किया होगा, और कन्या दिल्ली से कन्याकुमारी और दिल्ली से बंगाल की खाड़ी बंगाल तक जीटी रोड का निर्माण कराया था, और पर्यावरण ने दोनों तरफ लगाया था, 4-5 काम किया था विकास का, 4.5 सालों में और बारूद में ढेर में आग लग गई, मर गया था, कोई मारा नहीं, लेकिन मृत्यु हो गई थी। सिक्के का प्रचलन किया, जमीन का पैमाइश किया उसने, कुएं खनवाए, पर्यावरण किया, बगल में लगाया, सराय लगवाया, 12 घंटे 24 घंटे में डाक सेवा बहाल किया। साथ ही चर्चा करते हैं कि क्या हुआ, हम लोगों ने देखा है बिहार का, हम पटना हम लोग पढ़ते थे, और चुहार की पानी तो बाद में कहेंगे, चिंता मत करिए। और हम लोग अरे चिंता मत करिए, महोदय शक्ति जी को चिंता इस बात का है कि जो मैं बोलने वाला हूं उनको पहले से सूचित है कि मैं क्या बोलने वाला हूं। तो महोदय, नहीं, मैं चर्चा कर रहा था कि 80 देखिए, 85 देखिए, 67 देखिए, जो बिहार था, और उसके बाद 90 से लेकर 2000 तक का जो बिहार था, हम लोग आते थे बस में 9 घंटा लगता था। कोई सवाल पर चर्चा करे, सड़कों पर चर्चा करे, बिजली पर चर्चा करे, कई पटना में कई बार छात्रों से, अब क्या कहा जा सकता है कि लड़कों से गोली चल जाया करती थी बिजली के सवाल पर, सैदपुर कैंपस में पत्थर चला करते थे। अरे भाई, चेहरे को नहीं, चेहरा पसंद नहीं हो तो कम से कम बिहार तो पसंद है, उसकी बात तो सच सच कहने की जरूरत है। शक्ति बाबू, ये बात तो कहिए। और अब तो
अब तो ये बात नहीं है, उस समय पत्थर चलते थे और 9 घंटा लगता था ससुराम आने में। सदानंद बाबू की सरकार रही है चाहे आपकी सरकार रही है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन विचारों की बात हो, सामाजिक परिवर्तन की बात हो, डॉक्टर चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करें, चाहे पुरी ठाकुर की बात करें, और चाहे राजा राम मोहन राय की बात करें, और हम बाल विवाह की बात करें, जो नीतीश कुमार जी ने किया है, सुशील मोदी जी ने जो किया है, उसको तो सच सच कहना ही पड़ेगा। हम नहीं कहेंगे तो आने वाली पीढ़ी कहेगी, ये तो बताना ही पड़ेगा कि सड़कों का जाल बिछा है। 9 घंटा में 10 घंटा में पहुंचते थे, कितने स्टेट हाईवे, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग बने, इसको तो व्याख्या करना पड़ेगा। और राजा राम मोहन राय जी के बाद, ज्योति और फूले और सावित्री फूले के बाद, बिहार में सामाजिक लोकनायक जयप्रकाश जी के बाद बिहार में सामाजिक परिवर्तन और रचनात्मक कामों की शुरुआत नीतीश कुमार सुशील मोदी जी ने किया है, ये तो कहना ही पड़ेगा। चाहे आप जितना भी चुटकी लगा लीजिए शक्ति बाबू, लेकिन अपने अपने सच्चाइयों पर पर्दा नहीं डाल सकते। इसलिए आपने बाल विवाह की चर्चा करें, 8 साल 9 साल हम लोग की गांव में 9 साल की बच्चियों का शादी हुआ करता था, और 9 साल 10 साल 11 साल के बच्चे साथ ही जाकर शादी किया करते थे, और सारे चीजों पर शराबबंदी से लेकर जिन आप जिसकी चर्चा करें, और आज कोई गांव नहीं बचा जहां बिजली 18 घंटा 20 घंटा 22 घंटा नहीं रहती है। हमारे यहाँ 79 रोहतास जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कहां चले गए? चुवारी की पानी जहां कह रहे हैं, कैमूर के पहाड़ी पर आजादी के 70 साल नहीं 10 साल पूर्व से आदि मानव का इलाका रहा है, वहां भी आज सोलर नीतीश कुमार सुशील मोदी और विजेंद्र यादव की कृपा से चल गया कि वहां वनवासी आदिवासी हम ही नहीं, आपसे कम सुंदर वहां जादू नहीं रहता है, और वहां लड़कियां भी आपसे कम लंबा नहीं होता है शक्ति भाई, वो भी आज बिजली के बॉल में जीता है। वो जमाना बदल गया जिस जमाना में ढिबरी और ललटेन चलता, इसलिए सच बात तो हमें आपको कहना ही पड़ेगा। और परिस्थितियां बदली है इस राज्य का और बदल रही है, ठीक बात है कि शेर शाह जिस पैमाने पर देश में विकास किया तो आपको भी मौका मिला, सदानंद बाबू को तो 55 साल मिला, 28 सीने मिली थी, और बस इजाजत दे, 2 वर्ष में इनको परिवर्तित स्वरूप में जो हम देख रहे हैं, आज जो भाषण का ट्रेंड चल रहा है, हम देख रहे हैं कि कहां से कहां धरती ऊपर से नीचे चले गए, बाहो ललन पासवान जी। आपको याद होगा सदानंद बाबू, सभापति महोदय जब विपक्ष में जब एकमत नहीं है महोदय, किसी इशू पर विपक्ष कई भागों में बट जाते हैं महोदय, तो माननीय सदस्य बगल में बैठते थे और सदानंद बाबू का आज राग बदला हुआ था महोदय, और इधर आरजेडी का राग अलग था, और इधर ये दूसरी पार्टियां पार्टी के जो हमारे विरोधी दल के लोग थे उनका राग अलग था, तब एक साथ बैठे लोगों में राग बदल सकता है महोदय, तो माननीय सदस्य ये ललन बाबू काफी संवेदनशील सदस्य है महोदय और पुराने सदस्य है, तो ये पूरी चीजों को समीक्षा किया, जानने का कोशिश किया, और जब इनको सही जानकारी मिल गया महोदय तो इससे सदन को अवगत कराना चाहते हैं, तो इससे प्रसन्नता होनी चाहिए महोदय। सभापति महोदय, हम एनडीए में उस समय महोदय एनडीए में जब मैं था तो उस समय अभी सदानंद बाबू को मैं आगाह किया था कि 55 साल रहे, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इधर चला गया, ये भी इधर थे आज से 2 साल पहले इधर थे, जो सदानंद बाबू जो हमको चर्चा है, हमारे बदलाव से पहले तो उनको भी चिंतन करना चाहिए कि ये कहां थे उसके पहले, हम तो उस समय भी एनडीए में थे, आज भी एनडीए में, हम कोई बदलाव नहीं किए, हम एनडीए में ही है महोदय। इसलिए सामाजिक बड़े परिवर्तन राज्य में बिहार में खासकर हुआ है, और अवसर सबको मिला है, और सभी सबको चिंता करने की जरूरत है कि हमने कहा कि मेरे पहाड़ पर आजादी के 70 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने पहली बार जिस वनवासी आदिवासियों की मैं बात कर रहा हूं
शक्ति यादव जी छप छप रहे हैं, तो मैंने कहा इनसे कम सुंदर और इनसे कम सुंदर वहां पुरुष और महिलाएं नहीं है जो यादव समाज के लोग रहते हैं। आजादी के बाद से चुआरी की पानी पिया करते थे, सड़ी हुई चुआरी की पानी, सांप बिच्छू और पशु भी मर जाता तो उसी में सड़ के जाता है। और आदिवासियों की 70% आबादी है। और पहली बार नीतीश कुमार गए तो रेहल में जहां डीएफओ संजय सिंह की हत्या हुई थी, पहली बार कार्यक्रम हुआ और पहले तो पहाड़ मुक्त हुआ, उग्रवाद से प्रभावित मैंने पूरा कैमूर मुक्त हुआ, जिस पर चार राज्यों का उग्रवादियों का शरण स्थली रहा है, छत्तीसगढ़, राज झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, और पांच राज्यों का शरण स्थली था, अभी मुक्त हुआ है। और सरकार ने एनडीए की सरकार ने मुक्त कराई। अब तो हम लोग भी जा लेते ना, तो पहले तो पुलिस तो जाती थी तो दो चार मरा के ही आती थी, डीएफओ मारे गए, रेंजर मारे गए, पांच सिपाही मारे गए। उसमें मैं चर्चा भी किया कि वहां एक मॉडल थाना बनना चाहिए, मुख्यमंत्री जी से मांग भी लोगों ने किया था, ऐसा हमारा सवाल भी था। और पहली बार सोलर से वहां के वनवासी आदिवासी पानी पी रहा है। और मैं भी कहूंगा कि अभी 22 गांवों का निविदा निकली थी जिसकी अभी पूरी तरह काम शुरू नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि सरकार अधौरा और मेरे यहां चेरा नौहट्टा रोहतास के 70 गांव, उधर 108 गांव, जल्दी से उसको शुरू करा दे कि ताकि वहां के लोगों का जो चुवारी के पानी जो पीते थे उससे मुक्ति मिले। आप याद दिला दिए तो इसलिए आपको धन्यवाद भी, और जल्दी से काम शुरू हो। इसलिए मैं महोदय में कह रहा था, चाहे शिक्षा की बात हो चाहे स्वास्थ्य की बात हो, स्वास्थ्य में हम इसी सदन में 2005 में थे और उधर सरकार थी अश्वनी चौधरी जी स्वास्थ्य मंत्री जी थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी भी थे माननीय नेता, और उस समय हम पहली बार जीत के आए थे। हुजूर, किसी अस्पताल में रुई और सुई नहीं मिलता था, और अब स्वास्थ्य की चर्चा हम कर रहे हैं, कम से कम तो एक चर्चा कर रहे हैं कि अब पीएमसीएच में और चाहे अन्य जगह इलाज हो रहा है, और हर जगह चेनारी हो जहां कहीं एक दो डॉक्टर बैठा है। ठीक बात है, डॉक्टरों का अभाव हो सकता है, कमी हो सकती है, इसके लिए जिम्मेवार एक व्यक्ति एक सरकार नहीं है। यहां एक बार 90 में 25,000 शिक्षकों की बहाली हुई, उसके बाद परमानेंट शिक्षकों की बहाली, अब शिक्षा मित्रों की बहाली हुई। महोदय, इसके लिए जिम्मेवार जो लोग हैं उनको भी अपने चेहरे को अपने व्यवस्था को एक बार दर्पण में देखना चाहिए कि इसके लिए हमको जब जिम्मेवारी मिली थी हमने क्या किया। इसलिए हमारे यहां पुल नहीं थे, कई नदियां थी, दुर्गावती लंबी था, दुर्गावती जलाशय परियोजना 386 गांव, आज तक उस पर पानी 14 करोड़ 976 के स्वर्गीय जगजीवन बाबू सदानंद बाबू कहीं समय का मामला होगा, रामाश्वर बाबू मंत्री हुआ करते थे, 14 जनवरी 1976 का शिलान्यास था। पहली बार 386 गांवों का पानी कम या ज्यादा पूरी तरह तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। वहां जो सुखाड़ था वहां कम से कम लोगों का जीने का राहत का एक काम शुरू हुआ है। इसलिए महोदय, काम तो निश्चित तौर से इस राज्य में जो हुआ है बड़ी रेखा खींची गई, और अब इस रेखा का असर है कि आने वाला समय में चाहे हम एमएलए हो, चाहे इधर के चाहे उधर को, चाहे सरकार इधर की उधर के रहे, और जो साथी काम नहीं करेगा, और जनता बदलना शुरू कर दी है, लोगों में जागरूकता आई है कि सत्ता में वही रहेगा जो काम करेगा, वही को मजदूरी मिलेगा, वरना उसको निष्कासित कर देगी जनता, पलटने का काम कर रही है। इसलिए बताने की बात नहीं है, और विचारों का निश्चित तौर से हम कहेंगे कि विकास तो हो रहा, जिसके माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अभियान चलाना चाहिए, विचार मर रहा, राज्यों में नहीं गांवों खेत खलिहानों में रिश्ते तार तार हो रहे हैं, और पॉलिटिकल जो राजनीतिक में हम लोग जो लोग हैं, अब लोहिया कर्पूरी के विचारों से हम बहुत पीछे चले गए। हम सिर्फ सड़क की और विकास की बात करते हैं, लेकिन विचार जब तक नहीं रहेगा तब तक गांवों में खेतों खलिहानों में अनुशासन नहीं रहेगी, मर्यादाएं नहीं रहेगी, और मर्यादाएं अनुशासन नहीं होने के चलते आज सारी स्थितियां बिगड़ी हुई है। अब कोई तालाब और कुआं नहीं बचा है जहां
जिस कुएं की बात हम कर रहे थे कि शेर शाह ने कुआं खुदवाया, सारा कुआं गांव खेतों खलिहानों में भर दिया गया, पानी का नीचे ले जा रहा है। मेरे यहाँ तो 79 रोहतास में 300 फीट नीचे से पहले पानी मिलने का सवाल ही नहीं है। बालू खनन के सवाल पर अब बालू उधर एक तरफ कैमूर पहाड़ी, दूसरी तरफ सोन नदी बहती है, बगल के जितने गांव है जब नदियां आती है बाण सागर रहनम से पानी जब आता है तो सैकड़ों गांव कटाव के तट पर बसे हुए, कभी भी अगर रफ्तार बढ़ गया 4 लाख 3 लाख क्यूबिक पानी आया तो हमको लगता है सैकड़ों गांव बह जाएंगे। और आज पीने के पानी पर संकट है, पानी का रख रखाव की स्थिति इतनी खराब है कि हम पहाड़ की नदियों को बांधे। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि पहाड़ पर कई नदियां हैं जो चल कर नीचे आके गिरती हैं, वहां चेक डैम बने जिससे पहाड़ पर पीने का पानी लेयर बचे। सो नदी जहां बहती है हमारे इलाका में, पहले सिंचाई योजना लिफ्ट इरिगेशन था और उसके चलते मेरे यहां कम से कम 21 पंचायत 79 रोहतास दोनों मिलाकर और तिलौथू का 17-18 पंचायत और डिहरी का पूरा इलाका सिंचाई से वंचित रहता है, सिर्फ बिजली पर आधारित है। हम तो नीतीश कुमार जी को और विजेंद्र यादव सुशील मोदी जी को बधाई देना चाहते कि मेरे यहाँ 1-1 लाख रुपया में मैं पहली बार जब गया था तो ट्रांसफार्मर बिक रहा था। मुझे गांव के लोगों ने कहा कि विधायक जी पैसा ले लीजिए, हम लोग को ट्रांसफार्मर दिवा दिए। आज ये हालत है कि 5 रुपया कोई लेगा तो इंजीनियर सस्पेंड हो जाएगा और 12 से 24 घंटे में हम ट्रांसफार्मर बदल देने का काम करते हैं नवाटा रोहतास में। वहां के लोगों का रोटी का इंतजाम सिर्फ बिजली है, तो सच बात तो कहना पड़ेगा। और इसलिए पहाड़ पर हम एक और आग्रह करना चाहते हैं महोदय, मेरा हम राय के रूप में हम एक माननीय वन मंत्री और वित्त मंत्री यहां बैठे हुए, मेरा 94 वर्ग किलोमीटर में कैमूर पहाड़ी फैला हुआ जिसको हम विंध्य पर्वत कहते हैं, विंध्याचली माल को जाकर स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को छूता, पूरा पहाड़ बड़ी संख्या में उसके पेड़ पौधे काट लिए, काफी जमीन बचा हुआ, सागवान के पेड़ आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं लेकिन बड़े पैमाने पर उसमें जितनी बीमारी से लगानी चाहिए वो लग नहीं रहा। हमको लगता है कि आप फलदार वृक्ष सरकार लगावे, आम लगा दे और अमृत लगाए और फलदार वृक्षों को लगावे और वहां नदियों को बांध दिया जाए पहाड़ के, वन विभाग का सरकार संज्ञान ले तो बड़े पैमाने पर, जैसे आपने माननीय मुख्यमंत्री गए तो अधौरा सरेहल होते अकबरपुर तक NH2C को आपने जोड़ दिया 55 किलोमीटर, एक बड़ा उत्तराखंड और आप कहिए छत्तीसगढ़ के बाद एक बड़ा पर्यटक स्थल होगा कैमूर पहाड़ी, जहां की रोहतासगढ़ किला, शेरगढ़ किला, गुप्ता धाम जिसको हम आप चाहिए सरकार चाहे तो केदार धाम में तब्दील कर सकती है। एक तरफ से आपने पैसा भी दिया है, आप अपनी बात समाप्त करें, एक तरफ से आपने पैसा भी दिया है, इसलिए हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि गुप्ता धाम को केदार धाम की तरह, माननीय वित्त मंत्री और वन मंत्री भी है, इसलिए केदार धाम को गुप्ता धाम में तब्दील हो जाए, तीनों तरफ से रोड जाए और जो सड़क अभी सम्मिलित किए हैं आप लोगों ने और वो सड़क बन जाए तो हमको लगता है कि हम देहरादून और उत्तराखंड को हरिद्वार और केदारधाम से हम कमजोर स्थिति में नहीं रहेंगे। झारखंड बिहार अलग होने के बाद देवघर के बाद गुप्ता धाम भगवान शिव की नगरी है जहां भस्मासुर को भगवान शिव ने वरदान भी दिया और वहां शराब भी दिया था, इसलिए उसको विकसित करने की जरूरत है। मां मुंडेश्वरी से लेकर चार पांच धाम जुड़ती है नीचे से जिसमें स्टेट हाईवे के पिछले दिनों में बड़े भाई माननीय मंत्री नंद किशोर यादव जी ने स्टेट हाईवे का घोषणा भी किया, इसलिए हम सरकार से भी ध्यान आकर्षित करना चाहते कि फलदार वृक्षों का अगर वहां पर्यावरण लगे तो पर्यावरण का भी सुरक्षा होगा। सखुआ सागवान खैर का पढ़ाइए, पीआर का बड़े पैमाने पर वहां होता है, महुआ हमको लगता है 5 से 10 लाख का पेड़ होगा, इन कामों का अगर हो तो बड़ा राजस्व हम विंध्य पर्वत कैमूर पर्वत से लाकर हम बिहार को विकसित करने में हमारा बड़ा सहयोग होगा। इसलिए माननीय सभापति महोदय जी, इसलिए हम विपक्ष के साथियों को कहना चाहते हैं कि विकास के सवाल पर सारी बात एक तरफ, जिस सवालों पर आप चमकी बुखार पर चर्चा कर रहे थे तो आप चर्चा करना चाहिए तो सकारात्मक,
कि सदन एक बार गंभीर होकर और मांगे, अगर प्रधानमंत्री से पैकेज मांगना हो तो सब सम्मत से तय करके पैकेज मांगना चाहिए कि हमको स्वास्थ्य पर पैकेज दे भारत सरकार, ये बात सकारात्मक बात है। लेकिन आलोचनाओं से नहीं, समस्याओं का समाधान ढूंढने से होगा। और अरे इस्तीफा तो आपको पहले वाले मंत्री को देना चाहिए था। इसलिए सभापति महोदय, विचारों का जरूरत है, और विचार जब तक नहीं होगा और हमको पुनः पुराने विचारों पर, कर्पूरी लोहिया अंबेडकर संत रविदास के विचारों पर ही इस राज्य को विकसित किया सकता है। लोहिया कर्पूरी के विचार नहीं होंगे और उस तरह अपनी बात सकारात्मक तरीके से रखकर और बिहार को बनाने में हमारी भूमिका अगर नहीं होती है तो हम पार्टी और दलों को कपार पर ढोकर इस बिहार का सर्वनाश करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों से राय करेंगे कि एक बार नीतीश कुमार जिस विचारों की बात कर रहे हैं, जिस पर्यावरण की बात कर रहे हैं, नदियों पहाड़ों की बात कर रहे हैं, जिस विकास की बात कर रहे हैं, सहयोग कर इस बिहार को इस देश में अगली कतार में खड़ा करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य आनंद शंकर जी, जब हम बिहार की बात करते हैं, समृद्ध बिहार की बात करते हैं, तो इस सदन में बैठकर बातें करना, चर्चा करना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यथार्थ क्या है? आज जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में इतने बच्चों की मौत हो गई, औरंगाबाद में, गया में लू लगने से 150 से ऊपर व्यक्तियों की मौत हो गई, सरकारी आंकड़े कुछ कहते हैं लेकिन वास्तविकता यही है कि 150 से ऊपर लोग मरे हैं औरंगाबाद में। महोदय, जब बात यह होती है कि चलिए सकारात्मक विचारों के साथ लोगों को आना चाहिए, उस समय में हम कैसे बात करें जब 3 वर्षों से लगातार हम इस समस्या को उठा रहे हैं कि सदर अस्पताल जिसमें 57 डॉक्टरों की जगह है, वहां 8-10 डॉक्टरों से चल रहा है सदर अस्पताल। और अब तो स्थिति यह हो गई है कि आज के डेट में सदर अस्पताल जो कि मॉडल अस्पताल घोषित है औरंगाबाद, 3 डॉक्टर दिवस रिटायर हो गए 30 को, 3 डॉक्टरों के सहारे आपका सदर अस्पताल चल रहा है, और ये भी वैसे जगह पे जहां 150 मौतें हुई हैं। तो आप किस समृद्ध बिहार की बात बैठकर करते हैं? क्या उस समृद्ध बिहार की बात करते हैं जिसका चर्चा नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरे विश्व में धूम मचाता है और वहां आपके विद्यालयों में शिक्षकों का घोर अभाव है, जहां शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है, बच्चों के रेशियो के अनुसार से शिक्षक नहीं है? क्या आप उस समृद्ध बिहार की बात करते हैं? क्या उस समृद्ध बिहार की बात करते हैं जहां अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है? क्या उस समृद्ध बिहार की बात करते हैं कि जहां पैसे लगाकर भवन तो अच्छे अच्छे बना दिए गए लेकिन डॉक्टरों की कमी के अभाव में आईसीयू तो चालू नहीं हुआ? जब लोग मरने लगते हैं तब आप उपाय करते हैं, ये उपाय पहले क्यों नहीं होता है? जब आप सकारात्मक विचार की बात करते हैं तो ये उपाय तो पहले से होना चाहिए। जिस तरीके से जलवायु में परिवर्तन हुआ है, तुम्हें विदित है कि गर्मी पड़ेगी, जिस प्रकार से वर्षा में कमी आई है तो गर्मी पड़नी है, तय है कि गर्मी पड़ेगी, तो हम उसका प्रिकॉशन पहले क्यों नहीं लेते? जब 40-50 लोग मर गए तो अस्पतालों में एसी मंगाया जा रहा है, कूलर मंगाया जा रहा है, जबकि उनके पास उतना फंड वहां उपलब्ध होता है, वो कर सकते हैं उसको पहले से, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी शिथिलता, बार बार कहने के बावजूद 9वीं-10वीं कक्षा के छात्र उस समय स्कूल जा रहे थे, उसको बंद करने के लिए आग्रह भी किया गया, लेकिन 2 दिन बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री को जब मैंने सूचना दी तब जाके 9वां-10वां का स्कूल बंद हुआ है। लेबर क्लास के जो लोग हैं, जो दिन दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो कमाते हैं, उनकी फैक्ट्रियां सब चल रही हैं, लेकिन सरकार की कोई नजर नहीं है उस पर, उन मजदूरों को मौत का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए कोई देखभाल का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। जब इतनी असंवेदनशील सरकार हो जाएगी तो आप किस समृद्ध बिहार की बात करते हैं? महोदय, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था, आप आए दिन सुनते होंगे, कल भी एक औरंगाबाद के लड़के की हत्या कर दी गई है सैदपुर हॉस्टल के आसपास में, किस लिए? कोचिंग में एडमिशन कराने के लिए कमीशन मांग रहे थे लोग,
और उसके लिए हत्या कर दी गई है। आप ये सोच सकते हैं कि क्या किस तरीके की कानून व्यवस्था बिहार में व्याप्त है। आभूषणालय में लूट ली गई, आभूषणालय लूट लिया गया अभी हाल में ही। कितने व्यापारियों की हत्या कर दी गई, बड़े बड़े व्यापारियों की हत्या कर दी गई। तो आप किस समृद्ध बिहार की बात करते हैं? आप ODF योजना की बात करते हैं हमारे माननीय सदस्यगण, स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, इतने सारे शौचालय बनाए गए। क्या यह बात सही नहीं है कि जिन व्यक्तियों ने शौचालय बना लिया, जिन गरीबों ने शौचालय बना लिया, आज वो पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं? हर तरफ लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार है। अपने निर्माण किए हुए शौचालय के पैसे लेने के लिए उनको घूस देना पड़ रहा है, क्या यह बात सच्ची नहीं है? किस समृद्ध बिहार की बात कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जितने लोगों को लगाया गया, चाहे वो सहायक हो चाहे जो, हर का कमीशन बढ़ता चला गया, गरीब के हक पे क्या आ रहा है? गरीब आज भी उसी तरीके से त्रस्त है भ्रष्टाचार में। और जितनी बार वो चेक करने के लिए आवास योजना को, आवास को चेक करने जाते हैं, उतना बार उनका कमीशन लगाया, नहीं तो पैसा नहीं जाता उनके खाते में। स्थिति यह है। किस समृद्ध बिहार की बात कर रहे हैं जहां पर आप समझ सकते हैं कि पूरा ये जो बिहार है कृषकों पर, किसानी पर आधारित है, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार से एक भीषण पेयजल संकट का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है औरंगाबाद क्षेत्र में, चाहे और भी गया का क्षेत्र हो, पूरे बिहार की यह समस्या है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र से आपको कराना चाहता हूं अवगत कि स्थिति यह बनी हुई है कि पांच पांच छह छह बार बोरिंग अगर आप कराएंगे तो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इसमें भी आपको ऊपर वाले पर आश्रित रहना पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में सरकार क्या कर रही है? आहार टाइम की बात करते हैं, पोखर की बात करते हैं, क्या वो है? कहीं भी है? उनकी वास्तविकता है बची हुई जमीन पर? आहार पाइन पोखर सब पर अतिक्रमण कर लिया गया, उनकी वास्तविकता नहीं बची है। सरकार द्वारा संचालित जल संरक्षण विभाग है, आप पढ़िएगा तो आंकड़ों में समझ में आएगा कि कितने पाइन पोखर खुदवा दिए गए, कितने जगह वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जा रहा है। लेकिन उसका किसको फायदा मिला अगर यह विभाग बता दे तो हम लोगों को समझ में आता है। बार बार क्वेश्चन उठाने के बावजूद जल संरक्षण के विभाग के पदाधिकारियों की लापरवाही औरंगाबाद में जितनी है, आप दिखवाएंगे तो उसी में जो काम कर रहे हैं उसके भाई के, उसके भतीजे के, उसके रिश्तेदार के नाम पर पैसा निकाल लिया गया, कोई देखने वाला नहीं है। तो किस समृद्ध बिहार की बात कर रहे हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूं किस समृद्ध बिहार की बात कर रहे हैं। अगर अभी भी अगर हम लोग नहीं चेते, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अगर हम लोगों ने फुल प्रूफ प्लान तैयार नहीं किया तो आने वाले समय में लोग तो अभी तो भूखे मरने की बात सुन रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, जिसके चलते यही उसका इतना घटना घटा कुपोषण के चलते, कुछ दिनों में सुनने को मिल जाएगा कि पानी के बिना लोग मरने लगे। क्या हम उसी समृद्ध बिहार की बात कर रहे हैं महोदय? जगह जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कम से कम सरकारी भवनों में भी अगर आप कराएंगे तो भी उतने दूर का लेयर मेंटेन रहेगा, चाहे वो BDO का ऑफिस हो, अंचल कार्यालय हो, कलेक्टोरेट हो। आम लोगों को भी अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो आगे का भविष्य आपका कम से कम सुनिश्चित हो पाएगा, नहीं तो पेयजल के बिना स्थिति यह गंभीर होने वाली है। मैं आग्रह करूंगा सदन के माध्यम से कि नदियां हैं हमारे यहां, बटाने हैं, अदरी है, सब जगह चेकडैम बना के कम से कम कुछ पानी को स्टोर कीजिए ताकि वाटर लेवल मेंटेन रह सके। जिस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे यहां सीमेंट फैक्ट्री खुला है, शाम के समय में जब जाएंगे 7-8 बजे तो एक परत दिखाई देगा आपको आसमान में, धुएं का परत, धूल का परत दिखाई देगा आसमान में। आसपास रहने वाले लोगों को कुछ दिनों में आप देखिएगा, सुनने को मिलेगा कि लोग विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित होते, लोगों के छतों पर धूल गम जा रहा है। तो क्या इसी समृद्ध बिहार की बात करते हैं? एक तो आपने शहर से सटे हुए सीमेंट फैक्ट्री को बना दिया और वो सीमेंट फैक्ट्री का स्थिति यह है कि शाम में आपको एक धूल की परत दिखाई दे जब भी आप गुजरिएगा, तो स्थिति यही है। तो किस समृद्ध बिहार की बात कर रहे हैं आप? GPS सुनवाई की बात कर रहे हैं, ग्रामीण टोला संपर्क योजना, 7 निश्चय योजना, मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, इतनी भ्रष्टाचार व्याप्त है कि सड़क बनने के 2 महीने बाद ही उसमें दरारें खुलने लग रही हैं, न फ्लैंक भरा जा रहा है न कुछ, इतना घटिया निर्माण किया जा रहा है। और सरकार के अफसरों को इतनी फुर्सत नहीं है कि जाकर देख ले, उनको धूप लगता है, उनको बारिश दिखता है, लेकिन स्थल पर जाकर कभी भी ये चेक नहीं कर सकते हैं कि सड़क वो फटी है कि नहीं फटी है। जब हम लोग सूचना देते हैं तब इनकी निद्रा भंग होती है, तब जाके ये चेक करते हैं, तब ये जाके
ठेकेदार को भेजते हैं लोगों को समझाने के लिए। स्थिति यही है कमोबेश, न कहीं उद्घाटन का बोर्ड लगा है न कुछ, मैंने किसी प्रकार से मैं बोल रहा हूं। तो क्या इसी समृद्ध बिहार की बात करते हैं आप महोदय? इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग का जो है पीएचसी, जितने सो कॉल्ड पीएचसी हैं, चाहे किसी भी आप राज्य के किसी भी जिले में चले जाइए, मुझे नहीं लगता है कि 10% से ज्यादा पीएचसी खुलता होगा डेली, और वहां के जो डॉक्टर पद स्थापित हैं वो जाके बैठते होंगे। इस बात पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि सक्षम हैं, अच्छे हैं, लेकिन पीएचसी में अपना तबादला कराकर अपना निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बात की मैं आपका ध्यान इंगित कराना चाहता हूं महोदय, अभी भी सरकार को इसमें चेतने की आवश्यकता है, नहीं तो स्थिति यह है कि डॉक्टरों की कमी का तो भाव हम झेल ही रहे हैं, और जो डॉक्टर हैं भी तो वो निजी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, अपना माल बनाने में लगे हुए हैं, सरकार या आम जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इस ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं महोदय। क्या आप बोलिए, इधर बोलिए, उधर मत देखिए। जहां तक स्थिति, जहां तक हमारे माननीय सदस्यगण बोल रहे थे कि सड़कों की स्थिति सुधरी है, तो इसमें तो मनमोहन सिंह जी, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी आपको धन्यवाद देना चाहिए। उन्हीं के समय में आपको सड़कों का ये जाल मिला और उसी को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपनी पीठ जब से थपाए तो दूसरों को भी शाबाशी देने का काम करना चाहिए, यही है स्वस्थ परंपरा। यही मैं आग्रह करता हूं कि कम से कम जब मान ले अपनी सरकार का, तो पिछली सरकार का जो किया है उसको भी याद कर लिया कीजिए, ये मेरा कहना है महोदय। इसके अलावा किसानों की सिंचाई की बात, औरंगाबाद प्रखंड, देव प्रखंड, मदनपुर, रफीगंज, उसके अलावा और भी जो आसपास के जो है आमस है, ये सब है, ये आज भी सिंचाई के अभाव में किसानों की स्थिति दयनीय है। और गया में आके प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो किसानों को खेतों में पीला पानी होगा, दूसरी बार भी आ गए लेकिन आज तक किसानों के खेतों में पीला पानी नहीं पहुंचा। उद्घाटन भी करके चले गए लेकिन आज तक हम लोगों का जो कुटकू डैम है, मंडल डैम है, उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, और जब तक वो काम शुरू नहीं हुआ तब तक औरंगाबाद के आसपास के सभी प्रखंडों में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाएगी। भूगर्भीय जल का जो स्तर है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय को, जो उन्होंने वो कृषि वाला जो लग रहा है ट्रांसफार्मर वगैरह, वो तो लग रहा है लेकिन जब जल ही नहीं रहेगा तो वो ट्रांसफार्मर लगा के आप क्या कर लेंगे? जब भूगर्भीय जल स्तर जब नीचे चला गया, इतना नीचे चला गया है कि पानी जब मिल ही नहीं रहा है तो वो ट्रांसफार्मर लगा के भी हम क्या कर लेंगे? इसलिए त्वरित मैं सदन के माध्यम से ये ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि मंडल डैम का निर्माण कराया जाए, तब जाके औरंगाबाद के आसपास के किसानों को राहत मिलेगी। किसानों के लिए जो ये प्रदेश जाना जाता है, खेती के लिए जो ये प्रदेश जाना जाता है, उनको राहत मिलेगी, तब मैं समझूंगा कि हाँ हम समृद्ध बिहार की ओर बढ़ने का काम कर रहे हैं। नहीं तो सारी ये बातें जिन पर अभी चर्चा हो रही है सदन में तो चर्चा अच्छी लगती है लेकिन धरातल पर योजनाएं सारी विफल, सारी योजनाएं विफल है महोदय। इन्हीं सब बातों को, अपनी बातों को रखते हुए महोदय मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ। सभापति महोदय, सामान्य विमर्श पर भाग लेने के लिए तथा सदन में बोलने के लिए जो समय दिया गया उसके लिए मैं अपने दल तथा आसन को धन्यवाद देता हूं। महोदय, इस सदन में मेरा पहला कार्यकाल है परंतु इतने ही दिनों में मुझे ये अनुभव हुआ कि विषय वस्तु से बाहर जाकर हम लोग सारे लोग बोलते हैं, सत्ता पक्ष हमेशा 2005 का और 15 वर्षों की चर्चा करते रहते हैं। हम लोग की तरफ से जब वक्ता खड़े होते हैं तो विपक्ष हमेशा जो एक अपोजिशन का आंख होता है उसको सही माने में दूसरे ढंग से लेते हैं, जो
जो कि नहीं लेना चाहिए, ज्यादा टोका टोकी शुरू कर देते हैं और हम लोग को इतना अवसर नहीं देते कि तथ्यों के आधार पर सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर कर सके, और यही कारण कि हम लोग विषय वस्तु से भी भटक जाते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि अपने वक्तव्य में विषय वस्तु तक ही सीमित रहूं और राज्य में जो घटनाएं हो रही है उनके तरफ ध्यान आकर्षित करूं। सभापति महोदय, विषय वस्तु और आज जो मुजफ्फरपुर की घटना है, चमकी बुखार से बिहार में बच्चों के हृदय विदारक मौतों से, महोदय मुजफ्फरपुर में पिछले 10 वर्षों से चमकी बुखार के बारे में लगातार हर एक वर्ष ये बढ़ता चला गया और उनकी मौतों का कारण क्या बना, ये बच्चे कौन है, किस क्षेत्र से आते हैं, अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये बच्चे समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं और कहीं न कहीं निम्नतर जीवन स्तर पर जीवन यापन करने वाले जो लोग के बच्चे हैं, ऐसे भीषण गर्मी में जहां एसी पंखा कूलर की आवश्यकता बहुत लोगों को है, जो सत्ता पक्ष के लोग ज्यादा उसमें विश्वास करते हैं, वैसे बच्चों को शायद नसीब नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा वही आज के दिन में कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। इन बच्चों को गर्मी से बचाने के साधन और 10 वर्षों में उनके लिए क्या किया गया, ये शायद किसी से छिपा हुआ नहीं है। महोदय, हम लोग बच्चों की मौत पर दुखी हैं, लेकिन लोकसभा में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुख व्यक्त किया और जो सरकार की विफलता को स्वीकार किया, लेकिन राज्य सरकार अपनी विफलता नहीं मान रही। जब अच्छे कामों का ढिंढोरा पीट पीट करके लोग कह रहे हैं, तो इनके द्वारा जो गलत कार्य हुए हैं, जिनका आज हम कहते हैं आजादी के बाद से लेकर के आज तक लगातार 10 वर्षों में जो बच्चे को ये बीमारी से अभी तक ये कुछ भी पता नहीं लगा पाए, साथ ही अगर 500 बच्चे अगर 10 साल में मरे हैं सिर्फ मुजफ्फरपुर में, तो 5000 बच्चे वैसे जो 10% से लेकर 80% तक वो विकलांगता के शिकार हुए हैं, दिव्यांगता के शिकार हुए हैं, उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है? जो बच्चे बच भी जाते हैं, कुछ न कुछ प्रतिशत उसमें कमियां रहती है, जो कमियां को किसी ने उद्धृत करने का काम नहीं किया और सरकार भी उन चीजों को अपने वक्तव्य में नहीं रखने का काम किया। मैं जानना चाहता हूं कि लगातार इन चीजों की चर्चा होती रही, लेकिन सरकार के द्वारा इन बातों की चर्चा नहीं हुई। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी 4 लाख मरने वाले को देते तो शायद वो विकलांगता से ग्रस्त बच्चों को अगर 2 लाख का अनाउंस करते दिव्यांगता में, तो हम समझते कि सरकार निश्चित तौर पर चाहती है वैसा गरीब बच्चा जो 80% तक इन्हें विकलांग हो गया है, उसको बीमारी कौन देखेगा, उसको कौन सेवा करेगा, कोई एक परिवार पर बोझ हो गया है। अब पूरे बिहार में जहां जहां ये बीमारी है, कहीं ना कहीं शुरू से हम देख रहे हैं उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि विस्तृत विशेष परिस्थिति में वैसे बच्चे वैसे परिवार के बारे में आप सोचें। अगर नहीं सोचते हैं तो निश्चित तौर पे पूरा देश में जहां बिहार से कर्ज पूरा आ गया है, पूरे देश में विकलांगता में कहीं ना कहीं प्रदूषण, कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्रियल जो भी प्रॉब्लम है, को एक शुरुआत नहीं होता है, ढेर सालों के बाद ये एक विकृति होती है, जिस विकृति के बाद हमारे बच्चे ऐसे शिकार होते हैं। मेरा मानना है कि जब आप भिगोड़े पीट रहे हैं तो अपने विफलताओं को भी आप स्वीकार करें, और ये केवल प्रधानमंत्री जी की विफलता नहीं है, जमीनी स्तर पर राज्य सरकार की भूमिका होती है कि यह उसकी विफलता है, और जब 10 वर्षों से बीमारी पैर पसार रही थी तो अभी तक किस साल कहां पर क्या कारण था, न तो हम कहीं सरकार के द्वारा किसी बड़े प्रेस प्रतिनिधि के द्वारा इन चीजों की चर्चा हुई, और उस चर्चा में हम लोग तक कोई ऐसा प्रकाशित अगर हुआ होता तो शायद विधानमंडल में विधान परिषद के लोगों को पहले भी शायद प्रकाशित पुस्तक मिला होता। 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मुजफ्फरपुर आए थे और उन्होंने घोषणा की थी इसके लिए विशेष अस्पताल बनाया जाएगा। 5 वर्ष में कुछ नहीं हुआ, फिर भी 2019 में पुनः माननीय मेरे स्वास्थ्य मंत्री जी पुनः आए
और 10 वर्षों की अवधि में जो सरकार जो पुराना उनका था वही पुनः उन्होंने उसी बात को दोहराया। 10 वर्षों की अवधि में सरकार ने प्रभावित क्षेत्र की सफाई, जो उस क्षेत्र के बच्चे हैं कहां कहां पूरे बिहार में किन किन क्षेत्रों के थे, उस क्षेत्रों पर अगर केंद्र बिंदु बना करके जो गांव प्रभावित थे उन पर विशेष साफ सफाई की व्यवस्था होती तो मैं समझता हूं कि यह स्थिति नहीं आती। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी अस्पतालों में जी माननीय मंत्री जी, ये 10 साल में आप आकलन कर ले कि कितने परिवार इससे हैं और उसी के प्रति आप ज्यादा सोचे। और सबसे ज्यादा आपका भी डिपार्टमेंट जो अभी शोषण दोहन कर रहा है पानी का, ये आगे 20-50 वर्ष का पानी ही नहीं रहेगा, आप क्या कर पाइएगा? जो आपकी प्लानिंग है वो सही उतर नहीं रहा है, किसी धरातल पर आप उतार नहीं पा रहे हैं, और जो मैंने कहीं अगल बगल उससे को रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आप समझ पा रहे हैं तो क्या होगा? एक बार 7 निश्चय में आपने प्रोग्रामिंग में ले लिया, उस 7 निश्चय का क्या आपका साइड इफेक्ट होगा उसका कोई प्लानिंग नहीं है। अभी आनंद जी ने बहुत अच्छा कहा कि आप अगर एक मकान के सरकारी मकान के चारों तरफ का ही अगर आप निर्णय कर ले तो 700 वर्ष भी पानी का कमी नहीं होगा। आपने अभी तक माननीय नगर विकास मंत्री जी में बैठे हुए हैं, अभी तक जब हमारे पूर्व जो मंत्री थे नगर विकास यही थे, जो अभी सोते हुए पाए गए नाम लेना उचित नहीं है। पहले वो बिहार में जब नगर विकास मंत्री थे तो हमेशा कहते थे कि बिहार को सिंगापुर बना देंगे, पता नहीं सिंगापुर तो नहीं बना, मैनचेस्टर बनाएंगे। और अभी जब मुजफ्फरपुर गए तो प्रेस के सामने सोते हुए पाए गए, पता नहीं क्या कारण है वो अपना बताएंगे। लेकिन मेरा मानना है माननीय मंत्री जी, आज विशेष परिस्थिति में मैं कहना चाहूंगा कि अति सुधार की आवश्यकता है, चाहे हम हो चाहे आप हो, आप तो मंथन करें, सोचे कैसे कि विपक्ष से आपको क्या लेना है, ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। आज तक शायद कोई विपक्ष का कहीं भी आप प्लानिंग में साथ नहीं दिया है। मेरा मानना है कि चूंकि कहीं ना कहीं समय का अभाव है, हम अपने क्षेत्र की तरफ में कहना चाहूंगा और साथ ही पूरे बिहारवासी के लिए कि जो बिजली का जो मीटर होता है, जो एक बार मीटर का चार्ज और जब टोल टैक्स जब पूरा समाप्त हो जाता है रोड का तो टैक्स समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन पूरे बिहार में बिजली मीटर के नाम पर 500 वर्ष से हम पर सैकड़ों मेरे टाइम्स का टैक्स लिया जाता है, लेकिन अगर एक बार पूरा पैसा समाप्त हो जाए तो मीटर से कम बिहारवासी को फ्री करने का प्रयास करें। जहां तक पंचायती राज की बात है, 143 नगर निकाय और सारा चीज आप देख रहे होंगे, हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है। हर एक 2 साल पे आप कहीं चले जाइए, निगम हो कॉरपोरेशन हो, कहीं पर के नगर परिषद हो नगर पंचायत हो, 2-2 साल पर के नहीं लोग क्या विकास करेंगे, लोग लगे हुए हैं बड़े मेयर बनने पर और चेयरमैन बनने पर हटाने पर। मुजफ्फरपुर इससे कोई छिपा हुआ नहीं है, माननीय मंत्री से चाहेंगे कि एक सही नियमावली बनाइए, एक्ट में परिवर्तन करिए, स्टाफ का कितने नियमावली बनाइए, नए नए नगर निगम में आपने स्कूटी अफसर को दिया है। हेलो
नरेंद्र मोदी का देश है, सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। काफी देर से सदन में चर्चाएं हो रही है, कई प्रकार की बातें पक्ष विपक्ष की आ रही है, सड़कों की चर्चा हो रही है, जीटीएसएलवाई के माध्यम से सड़कें बनी हो, एमएमजीएसवाई के माध्यम से सड़कें बनी हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सड़कें बनी हो, लेकिन आज कम से कम सभी गांव टोलों तक सड़कों से संपर्क हुआ है। और एक समय था, वो बहुत पहले का समय नहीं था, 12-14 साल पहले का समय था, कि कई टोले ऐसे थे, कई बसावट ऐसे थे, कई गांव ऐसे थे जहां से लोगों को बीमार पड़ने के बाद खाट पर अपने परिवार के लोगों को लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था। सड़कों के अभाव में उसके दरवाजे तक गाड़ियां नहीं जाती थी, सड़क नहीं होने से उचित साधन और उचित सवारी उसके दरवाजे और टोले तक नहीं पहुंचती थी। आज वो दिन समाप्त हो गया जब लोग खाट पर अपने मरीज को लाद कर एक टोले से दूसरे गांव तक ले जाते थे या अस्पताल तक ले जाते थे। और इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। महोदय, स्वास्थ्य की बात हो रही है, आज तो आदमी का इलाज हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और उसके साथ साथ जानवरों का भी इलाज हो रहा है। लेकिन एक समय था कि स्वास्थ्य विभाग में, सरकारी हॉस्पिटलों में, सदर हॉस्पिटल में, पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस जैसे हॉस्पिटल में भी पशु और आवारा जानवर दिखाई पड़ते थे। आदमी के इलाज की तो बात छोड़ दीजिए, उस समय आदमी का इलाज भी नहीं होता था, तो आदमी के इलाज के साथ साथ पशु का भी इलाज हो रहा है, जानवर का भी इलाज हो रहा है, उनको उचित समय पर टीका मिल रहा है। कुछ कमियां हो सकती है, कुछ परेशानियां हो सकती है, कुछ परिस्थितियां हो सकती है, इस परिस्थितियों को सुलटने के लिए, समझने के लिए, इससे निजात पाने के लिए सरकार निश्चित रूप से प्रयासरत है। और बिहार की सरकार जो पूरे भारत के साथ साथ दुनिया में अपना एक मानक स्थापित कर रही है, विकास के रूप में विकास के प्रगति को स्थापित कर रही है, निश्चित रूप से ऐसा जो भी विषय सरकार के सामने आता है, सरकार के संज्ञान में आता है, सरकार उस विषय को, उसको ठीक करके, उस व्यवस्था को ठीक करके, उस बीमारी को ठीक करने का प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जिस प्रकार से प्रयासरत है, अगर कोई नया विषय आ जाता है तो उसको भी सरकार ठीक करेगी। आज किसान की बात हो रही है, आज किसान के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए बिजली का कितना बड़ा सहयोग है। एक समय था जब कंप्लीट डिबरी युग था या लालटेन युग था। हमारे लालटेन के भाई मित्रगण सभी सदन में बैठे हुए हैं, ये क्या इस सच्चाई से इनकार कर सकते हैं कि भले लालटेन के साथ ही है लेकिन सभी लोग अपने घरों में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार सुशील मोदी की बिजली जला रहे हैं। इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज वो लालटेन का युग नहीं है, वो डिबरी का युग नहीं है। हम सब लोग जब गांव में जाते हैं, गरीब की बस्तियों में जाते हैं, गरीब के घरों में जाते हैं, गर्मी का समय है, तापमान बढ़ा हुआ है, कई गरीब के परिवार में जाते हैं, जब उसके घर में बैठते हैं जहां पंखा चलता रहता है, उससे पूछते हैं कि तुम अपने शर्ट को, पैंट को बाहर क्यों नहीं सुखा रहे हो, ये पंखे के नीचे जो सुखा रहे हो, तो वो कहता है कि नेताजी विधायक जी बाहर इस कपड़े को पसारेंगे तो इसका कलर खराब हो जाएगा, इसलिए पंखे के नीचे इसको सुखा रहे हैं। आज गरीब में परिवर्तन हुआ है, बिजली में परिवर्तन हुआ है, जहां 24 घंटे में 22-23 घंटे 24-24 घंटे बिजली रह रही है, एक एक झोपड़ियों तक बिजली पहुंची है, सब लोग इस गर्मी में भी पंखे की हवा से निजात पा रहे हैं, उनको रोशनी मिल रही है। और ईमानदारी से हम कह सकते हैं कि पहले हम लोग जब गांव में जाते थे और लोग अपना टीना और वो लेके आ जाते थे, कार्ड लेके आ जाते थे कि 6 महीना हो गया डीलर तेल नहीं दे रहा है, आज हम लोग किसी को नहीं देखते हैं, गांव के बाजार हो चाहे शहरों के बाजार हो, कि वो बोतल में रस्सी बांधकर मटिया तेल के लिए उस बाजार में जाता है और किसी से मटिया तेल का डिमांड करता हो। आज बिजली का प्रगति है, आज बिजली हमारे खेतों तक पहुंच रही है, खेतों में पानी की आवश्यकता है, जिस डीजल पंप सेट के माध्यम से 150 रुपए घंटे हम पानी की पटवन कराते थे, आज बिजली की प्रगति होने से आज वो पानी का पटवन 5-7 रुपए घंटा का हो रहा है। और लगातार मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी आप तो विज्ञापन निकाल के कह रहे हैं कि आप बिजली, खेतों तक बिजली प्राप्त करने के लिए आप
बिजली विभाग में अप्लाई करिए ताकि आपके खेतों तक बिजली का लाइन पहुंचा दिया जाए, पोल गाड़ दिया जाए। आप अपना नीचे पंप लगाइएगा और खेत तक पानी पहुंचाइएगा और लगातार इसका विज्ञापन निकल रहा है। महोदय, आज सभी क्षेत्रों में बिहार अग्रणी भूमिका निभा रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बिहार जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जो एक पहले का बिहार था, सैकड़ों साल पूर्व का बिहार था, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार था, निश्चित रूप से उनके नीतियों के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है। और बिहार आदरणीय नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहेगा। महोदय, आज भारत की सरकार ने किसान निधि सम्मान योजना दिया है। आज हर किसान को 6000 रुपए की राशि साल में बेचने वाले के दुकान पर किसी फलदार पेड़ की चर्चा करते हैं और उसको कहते हैं कि 6 महीने के अंदर जो फलने वाला पेड़ है वो पेड़ हमको दे दीजिए। जो जिस पेड़ का आयु 100 साल, 150 साल, 200 साल है, जो बाढ़ छाया देता है, अधिक से अधिक छाया देता है, अधिक से अधिक ऑक्सीजन देता है, वैसे पेड़ की तरह भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। महोदय, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, अभी चमकी बुखार की चर्चा हो रही है, ये तो प्राकृतिक निकलेगा, लेकिन इसका दूसरा पक्ष जो आया है, किसानों के साथ जो आया है, उसका भी निराकरण और निदान का सरकार को कोई ना कोई इसके लिए भी अपना नीति और सुझाव देना चाहिए। दूसरा पहलू है कि लीची पर चर्चा हो रही है कि लीची खाने से चमकी बुखार की बढ़ोतरी हो रही है। अब जितने लीची उत्पादक हमारे किसान है और हम लोग जहां से आते हैं वो इलाका भी लीची उत्पादन का इलाका है। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, मेसी का जो इलाका है, लीची उत्पादन का इलाका है। और इस बार चमकी बुखार में लीची खाने की जो चर्चा शुरू हुई, इससे हमारे हजारों किसानों के खेत में लीची पड़े रह गए, लीची उनका बिका नहीं,
और वो आज दयनीय स्थिति में आ गए हैं और आगे भी उनको संशय है कि जिस प्रकार से लीची की चर्चा इस बार हुई है कि लीची खाने से चमकी बुखार हो जाता है, तो आगे भी हमारा लीची नहीं बिकेगा, लीची कोई खा नहीं पाएगा। इसलिए सरकार को यह बात स्पष्ट करना चाहिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि उस लीची पर जो दोष लगे हुए हैं, लीची पर जो धब्बा लगा हुआ है, उस पर जो दाग लगा हुआ है, उसका कोई न कोई संशोधन करके सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए, विज्ञापन निकालना चाहिए, ताकि वो लीची किसान जो संशय की स्थिति में है कि आगे जो हम लीची का उत्पादन करेंगे इस उत्पादन का क्या होगा, ये संशय की जो स्थिति है, इस संशय की स्थिति से उनको निजात मिलना चाहिए। महोदय सभी क्षेत्रों में सरकार आगे बढ़ी है, शौचालय की चर्चा हो रही थी, एक समय था महोदय जब हम लोग अपने गाड़ियों में बैठकर सड़कों पर निकलते थे तो हमारे अपने घर की बेटी बहनों को देखकर हमारा सर, हम सब लोग का सर शर्म से झुक जाता था। आज तो सिर्फ उसके भुगतान की बात हो रही है। मैं भी सरकार से आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से भुगतान में प्रगति होना चाहिए। जिन लोगों ने शौचालय बनाए हैं उनके पैसे मिलने चाहिए समय पर। लेकिन जो उसका दूसरा पहलू है कि आज हमारे घर की मां बहने जो गरीब परिवार की है, जो इज्जत घर में जाके अपनी इज्जत का रक्षा कर रही है, उसके लिए भी नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और सुशील मोदी को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे गरीब मां बहनों की इज्जत की रक्षा हो रही है। एक समय था महोदय जब हम चलते थे सड़क पर तो सर सर से झुक जाता था। महोदय अब भी कई प्रकार के क्षेत्रों में सरकार आगे बढ़ रही है। मछली का उत्पादन, पहले हम ज्यादा मछली कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का खाते थे, आज मछली के उत्पादन में भी हम सब आगे बढ़े हैं और सरकार मछली के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहन दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने दिव्यांगों पर बहुत अधिक ध्यान दिया है, आज 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल, वैसे दिव्यांग जिनका आंख ठीक है, माथा ठीक है, हाथ ठीक है, उनको प्रधानमंत्री दिव्यांग योजना के अंतर्गत उनको प्राप्त हो रहा है। हमारे मछुआरे जो मछली का उत्पादन करते थे, आज उनको मछली बेचने के लिए मोटरसाइकिल पर आइस बॉक्स सहित 40,000 रुपए छूट देकर उनको मोटरसाइकिल दिया जा रहा है। उससे जो छोटे व्यापारी हैं उनको फ्री में साइकिल दिया जा रहा है। और मछुआ सोसाइटी के वैसे एक सदस्य जो उसके सेक्रेटरी या उसके कोई पदाधिकारी है, उनके यहाँ मछली को इस बाजार से उस बाजार तक पहुंचाने के लिए फ्री में 7 लाख रुपए की गाड़ियां दी जा रही है। अब सरकार की कई प्रकार की योजनाएं हैं और हमारे पास उन योजनाओं के विषय में जानकारी नहीं है कि हमारे क्षेत्र के लोग कैसे उन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी भी कमी है कि हम उस योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करके उन योजनाओं के लाभ को हम नीचे तक ले जाए। महोदय मैं एक और आग्रह करूंगा आपके माध्यम से सरकार से, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नगर क्षेत्र में नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर निकाय है, और वहां वो नगर क्षेत्रों में पोल पर नगर निगम, नगर निकाय या नगर पंचायत की तरफ से बड़े बड़े LED लगाए जाते हैं, रोशनी होती है गांव में भी। आदरणीय हमारे सरोवर माओ भी बैठे हुए हैं जो ग्रामीण विकास मंत्री है, गांव में भी पंचायतों को अधिकार मिलना चाहिए। जहां घर आबादी चाहिए और जल संचय के लिए जल
जल संचय के लिए आपको संपूर्ण प्रयास करना चाहिए। सभी पंचायतों में आरटीपीएस का काउंटर खुल रहा है। ब्लॉक में आरटीपीएस के काउंटर से पहले एक आरटीपीएस पर पूरे ब्लॉक के लोग जाते थे, सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से जाकर शाम तक वहां देखते रहते थे। आज सभी पंचायतों में आरटीपीएस का काउंटर खुल गया है या खुल रहा है और लोग